ओके हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा रेवती जी, यस बोलिए। आई एम ट्रैवलिंग, आई विल स्विच ऑन कैमरा इन सम टाइम, आई एम फ्रॉम मुंबई। टीना जी, यस सॉरी आई एम आउटसाइड टू नियर माय क्लाइंट, ओके ओके, नो आई प्रॉब्लम, कांट ओपन द वीडियो, प्लीज डोंट यस माइंड। यस, नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल कंसीडर यू फॉर टुडे, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो वी विल स्टार्ट, जिन लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, लेट मी टेल यू दैट वी आर डन विद द प्रेयर, सो वी विल स्टार्ट द क्लास। ऑलराइट, सो टुडे हम लोग भगवद गीता डिस्कस कर रहे हैं, एंड द भगवद गीता दैट वी आर डिस्कसिंग इज बाय श्रील प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ही इज द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। सो एक्चुअली इनकी स्टोरी कुछ ऐसे जाती है, 1962 में, ओके, लक्ष्मी सेज आई डोंट हैव भगवद गीता, ऑलराइट, वी विल टॉक अबाउट इट इन अ व्हाइल, अभी आप चैट प्लीज पॉज कीजिए, वी विल स्टार्ट द क्लास नाउ। सो 1962 में वी हैड श्रील प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, जो अपने गुरु के आदेश पे, ही गॉट एन इंस्ट्रक्शन अपने गुरु से कि आप जाके कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भावनामृत का जो है प्रचार कीजिए बाहर जाके, राइट। सो बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद आज हमें भगवद गीता बहुत लैंग्वेजेस में अवेलेबल मिलता है, वी हैव इट इन तेलुगु, हिंदी, एंड वी हैव इट इन मोर देन 70 लैंग्वेजेस ऑल ओवर, सो दिस इज वन ब्लेसिंग दैट वी हैव रिसीव्ड। 1965 में, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन श्रील प्रभुपाद जो है कुछ भी पैसा नहीं था उनके पास, नो मनी एट ऑल, बट ही स्टिल वेंट टू न्यूयॉर्क एट द एज ऑफ 69। कैन यू इमेजिन 69, राइट, सच एन ओल्ड एज, बट ही स्टिल डिड इट फॉर ऑल ऑफ अस, सो वी विल पे कंप्लीट अटेंशन टू इट, वी विल पे ऑल द रिस्पेक्ट्स टू श्रील प्रभुपाद फॉर गिविंग अस दिस बुक, यू विल नो व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिसाइट भगवद गीता एवरी डे। एंड ही हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद का जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल इजी था, बहुत स्ट्रगल के बाद उन्होंने उनके उन्होंने जब इंडिया से ट्रैवल किया था, सो दैट टाइम ऑल्सो उनके पास सिर्फ श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, बस इतने से ही बुक्स थे, एंड देन 40 रुपीज एंड ही लेफ्ट। 1966 में इस्कॉन का फर्स्ट टेम्पल हुआ था स्टार्ट, दैट वॉज इन न्यूयॉर्क, सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब इस्कॉन स्टार्टेड, एंड वाई ही डिड दैट, बिकॉज हर किसी को, वेदर इट इज इंडिया अब्रॉड, सबको कृष्ण भावनामृत के बारे में पता रहना चाहिए, he went to spread the holy names. So this was the just a back story, just for you all to know. ISKCON is an international society for Krishna consciousness. This is the full form of ISKCON. Now, let us get back to the main topic, जो है भगवद गीता. Now, why is that हम लोग भगवद गीता discuss कर रहे हैं, right? ऐसा क्या है भगवद गीता में कि जरूरी है, सब बोलते हैं we have to recite our holy book, right? The thing is, it is the solution to all our problems. हमारे जीवन में जितने भी problems हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, भगवद गीता एक ऐसा सोल्यूशन है टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाई वी शुड ऑलवेज रीड भगवद गीता। नाउ एग्जैक्टली भगवद गीता ट्रांसलेशन वाइज क्या होता है, भगवद गीता यानी कि गीत, राइट, इट्स अ सॉन्ग, किसने किसका सॉन्ग है, ये भगवान का सॉन्ग, दैट्स व्हाई इट इज भगवद गीता, दैट मीन्स दिस इज द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, भगवान ने जो गीत गाया है उसको हम भगवद गीता कहते हैं, ठीक है। नाउ कहाँ पे ये भगवद गीता बोला गया था, कोई अनम्यूट करके बता सकता है, कौन से युद्ध भूमि में बोला गया था? कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में। वेरी नाइस, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता, अर्जुन एब्सोल्युटली करेक्ट, यस, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, जहाँ पे भगवद गीता डिस्कस हुई थी। नाउ एस एंड भगवद गीता इज नॉट जस्ट माइथोलॉजिकल स्टोरी, लेट मी टेल यू, काफी लोगों को ये मिस इंटरप्रिटेशन रहता है कि ये तो कोई नॉर्मल जस्ट स्टोरी टेलिंग है, इट इज नॉट अ स्टोरी टेलिंग, ओके। काफी बड़े बड़े लीडर्स, इफ यू सी महात्मा गांधी, वो बोलते थे कि भगवद गीता जो है एक स्पिरिचुअल डिक्शनरी है, दैट मीन्स आपका आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, भगवद गीता का कोई भी वर्ड्स आप निकाल के पढ़िए, इट विल हेल्प यू, एंड दैट इज ट्रू। जब आप भगवद गीता समझने लगेंगे, आगे जाके आप ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। नाउ इसके अलावा बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने भगवद गीता को हमेशा से ही एक्सेप्ट किया है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। ऐसे भगवद गीता की चर्चा आज हम करेंगे अगले 18 दिन तक, भगवद गीता में 18 चैप्टर्स होते हैं, तो हम पर डे वन चैप्टर करेंगे, एक एक चैप्टर में, कुछ चैप्टर्स में 30 श्लोका, 40, 60, 70 ऑल्सो श्लोका आर देयर, सो हम सारे कवर नहीं कर पाएंगे, बट जो मेन श्लोकास हैं हम उसको डेफिनेटली जस्टिस करने का प्रयास करेंगे।
So important thing is there is one acharya Vishwanath Chakravarti Thakur. वो ये कहते हैं कि भगवत गीता is like a jewel box, जो तिजोरी पिटारा होता है खजाने का, it is like that. क्यों ऐसा बोलते हैं? आप देखिए jewel box में तीन parts होते हैं, right? एक बक्सा होता है, right? ज्वेलरी का डब्बा, right? अंदर उसके मोती रतन everything is there inside, right? And ऊपर से ढक्कन. Three parts. Are you getting it? Yes or no? Yes. Okay. So, इसमें भगवद गीता को किस तरीके से कंपेयर किया गया बता रहे हैं. 18 chapters हमने डिस्कस किया था. तो जो फर्स्ट थ्री चैप्टर्स थे वो आते हैं कर्मयोग में. फर्स्ट सिक्स चैप्टर्स, सॉरी, 1 to 6 चैप्टर्स जो है वो कर्मयोग में आते हैं. नेक्स्ट सिक्स चैप्टर्स, दैट इज 7 to 13 चैप्टर्स आते हैं भक्ति योग में. And the last three chapters, that is 13 to 16 chapters, they come under Gyan Yoga. ठीक है? So आप देखिए इसका जिस तरीके से उन्होंने बताया है, that means जो actual किसको jewelry से किसको compare किया गया, क्या कोई बता सकता है? We have said between there is jewelry, right? रत्न रहते हैं. उसको किस yoga से compare किया गया है? Slokas of this Bhagavad Gita. Which yoga? Please tell me. Ma'am, it's karma yoga and bhakti yoga and yes. So first six जो box है उसको कर्म योग से compare किया गया है. जो रत्न है उसको भगवत भक्ति योग से compare किया गया है. और जो ढक्कन है lid, ठीक है, उसको ज्ञान योग से compare किया गया है. So actual देखिए जो इन तीनों parts में सबसे valuable part कौन सा है आप मुझे बताइए. ढक्कन है, डब्बा है या ज्वेलरी है? You can tell me. ढक्कन. No, valuable कौन सा है? Valuable is the jewelry, right? सबसे highest value किसका होता है? Jewelry का होता है. इससे हमको ये समझ में आता है कि जो भगवत गीता का essence है, वो भक्ति योग में. It is not ज्ञान योग, it is not कर्म योग, right? It is भक्ति योग. So वो चीज हमें समझना चाहिए. तो हम प्रयास करेंगे कि पूरा justify करें भगवत गीता को इस 18 days में. So I want to tell you one thing कि ये जो 18 days का course रहेगा, इट इज नॉट कि आप पूरा 18 डेज में भगवद गीता समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है. लेकिन इट इज गोइंग टू बी एन एनकरेजमेंट फॉर यू गाइस, एक इंस्पिरेशन के तौर पे आपको ये क्लास रहेगा, सो दैट आप हर रोज भगवद गीता रीडिंग का प्रैक्टिस कर सके. सो वी होप 18 डेज के बाद आप इस पोजिशन पे आ सकते हैं. नाउ वाई वी शुड रीड इट एवरी डे, यू सी भगवद गीता को कृष्ण प्रसाद भी कहते हैं. यू नो सी प्रसाद इज लाइक अ मेडिसिन. आप जब भी प्रसाद पाते हैं देन योर you get purified. आपका cleanliness होता है, आप शुद्धिकरण होता है प्रसाद से. So भगवत गीता को जो है कृष्ण प्रसाद कहा गया है यहाँ पे. So it is a medicine. आपके आपके life में जितने भी problems हो रहे हैं, personal, professional, anything, it is a medicine to all these problems. So ऐसा कहा गया है, physical and mental health. Now भगवत गीता कहाँ पे बोला गया था? Was it in a Zoom class जहाँ पे बोला गया था? No. It was not in a classroom जहाँ पे भगवत गीता बोला था. जंगल में बोला था? No. It was not told in a forest. युद्ध भूमि में बोला गया था. It was a battlefield, right? और battlefield को आप just imagine कीजिए, कितना tension होता है. How much tension is there in a battlefield? Everybody is full of hot blood, right? खून खौलता है सबका उस time पे कि युद्ध करना है, right? मन में बहुत सारा anxiety रहता है, बहुत सारा चिंता रहता है, right? इसीलिए वॉर में बोला गया था भगवत गीता. क्योंकि आजकल आप देखिए आसपास हमारे लाइफ में, हम एवरीडे डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हम सबका यही हाल है. वी ऑल आर फुल ऑफ एंजाइटी, राइट? दैट इज द रीजन व्हाई भगवत गीता जो है वो रेलेवेंट है हमारे लिए. इसीलिए युद्ध भूमि में बोला गया था. इट वॉज नॉट टोल्ड इन अ फॉरेस्ट. युद्ध भूमि में एक एक टाइम जो है बहुत वैल्यूएबल होता है. बट उस टाइम पे भी बिकॉज इट वॉज अर्जेंट, बहुत अर्जेंट था कि भगवत गीता नहीं बोलना ही है. That is the reason why Bhagavad Gita बोला गया था. Similarly, हमारे लाइफ में जो इतना anxiety, इतना tension, इतना sadness, इतना depression है, उसके लिए भी Bhagavad Gita is the solution. That is the reason why it is relatable. इसीलिए युद्ध भूमि में बोला गया था, ताकि हम जैसे लोग इसको implement करके we can live happy. Now, it was not told for sadhus, right? Arjun क्षत्रिय थे, right? He was a grahastha. वो हाउस होल्डर थे. ही वॉज नॉट अ सन्यासी, ही वॉज नॉट अ ब्रह्मचारी और समथिंग. ही वॉज अ गृहस्थ, राइट? ये ही वॉज अ गृहस्थ. दैट इज वन ऑल्सो वन रीजन वाई कि हम सभी के लिए भी ये रेलेवेंट है.
राइट, जो भी शिक्षाएं अर्जुन को मिली है वो सब हमारे लाइफस्टाइल में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड इट इज अ फैमिली अफेयर. आप देखते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको सुनने मिलेंगे आगे आगे क्लास में. सो इट वॉज लाइक अ फैमिली, राइट, टू ब्रदर्स फाइटिंग अमंग ईच अदर, राइट. तो ये हमारे लाइफ में भी होता है, लाइक वी सी लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, एवरीवेयर, राइट. सो हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं भगवदगीता को, आगे आगे हम डिस्कस करेंगे. तो कहाँ पे इसका मेंशन आता है ये भी जरूरी है, राइट. सी गाइस, हमारा डियर डिवोटीज, हम लोगों को जो है फिलोसफी हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए. ओके, फिलोसफी जब स्ट्रांग रहता है, जब प्रॉब्लम्स आता है तो फिलोसफी याद आती है. ओके, अगर आपका फिलोसफी गलत है, आपका फिलोसफी यू नो रॉन्ग डायरेक्शन में आपको लेके जाता है, देन यू विल बी गोइंग देयर. इसीलिए हमारा फिलोसफी को हम करेक्ट करना जरूरी है. नाउ कहाँ पे मेंशन आता है भगवत गीता का, दैट इज इम्पोर्टेंट. हम सभी को पता है महाभारत में आता है, राइट. सो कहाँ पे एग्जैक्टली, आई विल टेल यू दैट. भीष्म परमम के 25 to 45 चैप्टर्स में जो है भगवत गीता का मेंशन आता है. अब ये महाभारत किसने किसको बोला था, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट. सो व्यास महर्षि के डिसाइपल, यानी कि उनके जो शिष्य थे, व्यास महर्षि जी के शिष्य जो है, व्यास पायन है उनका नाम, ठीक है. उन्होंने बोला था जन्मेजय को. ओके, अब जन्मेजय कौन थे, ये परीक्षित महाराज के पुत्र थे. परीक्षित महाराज कौन थे, अभिमन्यु के पुत्र थे. अभिमन्यु कौन थे, अर्जुन के पुत्र थे, राइट. सो आई विल रिपीट दैट. सो अर्जुन के जो पुत्र है अभिमन्यु ने उनके पुत्र जन्मेजय को बोला था, जो कि व्यास महर्षि के डिसाइपल यानी कि शिष्य थे, which is, who is व्यास पायन, like that, okay? And भगवत गीता का एक और नाम है गीतोपनिषद, this is one name, ठीक है? Total भगवत गीता में कितने श्लोकास है, किसी को पता है? Any rough idea? 700. 700, yes, बंदिता माता जी, thank you. So भगवत गीता में 700 श्लोकास है, and कितने chapters है? Anybody else apart from बंदिता माता जी, कोई और बताना चाहेंगे? 18. 18 chapters. So, अब इन 18 chapters में जो 700 श्लोकास है, इसका मैं आपको डिविजन बता देती हूँ. धृतराष्ट्र ने एक श्लोका बोला है, यू कैन राइट इट डाउन. धृतराष्ट्र ने 1 श्लोका बोला है, संजय ने 41 श्लोकास बोला है, अर्जुन ने 84 श्लोकास बोला है, एंड कृष्ण ने 574 श्लोकास बोले हैं. ओके, सो इन्हीं चार लोगों का मेंशन हमें भगवत गीता में बार बार आता है, लाइक दीज आर द फोर पीपल हु वी सी. नाउ धृतराष्ट्र कौन थे, राइट. धृतराष्ट्र के हम सबको पता है कितने पुत्र थे धृतराष्ट्र के, एनीबॉडी कैन आंसर? 100. यस आशिक, थैंक यू प्रभु. धृतराष्ट्र के 100 कौरव पुत्र थे, एंड उनकी एक डॉटर भी थी. ओके, सो जो 100 कौरव थे उनमें जो एल्डेस्ट थे वो थे दुर्योधन. ओके, सो दैट वॉज दुर्योधन. नाउ इनके जो कजिन ब्रदर्स थे पांडव, एक्चुअली जब इनका पालन पोषण हुआ था तो कौरव और पांडव दोनों को यू नो पालन पोषण साथ में हो रहा था, दे वर रेस्ड टुगेदर, राइट. पर धृतराष्ट्र हम सबको पता ही वॉज वेरी ईविल माइंडेड. ओके, सो उनको हमेशा राजगद्दी का लालच. मुस्कान जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ. यस, धृतराष्ट्र को हमेशा जो है किंगडम पे नजर थी, नई किंगडम चाहिए. He was very, very selfish person. तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, बट कि यू नो ट्रबल और प्रॉब्लम्स लेके आता हूं मैं पांडव के लाइफ में, ऐसा. ओके, बट उनके जो अंकल थे विदुर और कृष्ण की कृपा से हमेशा वो बचते आए हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल स्टोरीज, हम उस पर नहीं जाएंगे, बट मैं सर्फेस लेवल आपको बता देती हूँ. तो इन दोनों की हेल्प से हमेशा जो है पांडव बचते आ रहे थे अपने, यू नो दे वर एस्केपिंग फ्रॉम ऑल द टैक्टिक्स जो ये लोग प्ले कर रहे थे. ओके, सो धृतराष्ट्र, सो हाउ डिड इट स्टार्ट, हाउ डिड भगवद गीता स्टार्ट. वे थोड़ा स्टोरी पे आ जाते हैं. सो एग्जाइल हुआ था वनवास, राइट. दे ऑल पांडवास, बिकॉज वो शतरंज का गेम हार गए थे विद दीज पीपल कौरवास. सो 13 ईयर्स वो लोग वनवास करके आए थे. नाउ इसमें कंडीशन क्या था कि हम जो पांडु भाई है पांच लोग, विल गो टू फॉरेस्ट, 13 ईयर्स के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे. सो अभी who were पांडवास, वो लोग क्षत्रिय थे. एक क्षत्रिय का धर्म क्या होता है कि वो राज्य का पालन पोषण करे, राइट. अभी क्योंकि वो लोग सब कुछ हार गए थे वो लोग शतरंज में, राइट. तो वो जब वापस आए थे तो उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया था दुर्योधन, बिकॉज ही वॉज द किंग नाउ, राइट. तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप जो है हमको
हमारा हाफ किंगडम, ये बेट था, दिस वॉज द कंडीशन कि आधा किंगडम आप हमको मिलेगा, आधा आप रखना. बट धृतराष्ट्र डिडंट अग्री, दुर्योधन डिडंट अग्री, सॉरी नॉट धृतराष्ट्र, दुर्योधन, मना कर दिया उन्होंने कि नहीं मैं आपको नहीं दे सकता हूँ यू नो द किंगडम. सो इसके बाद में क्या हुआ था, बिकॉज पांडवास कन्विंस करने में फेल हो गए थे, लॉर्ड श्री कृष्ण मेट. लॉर्ड श्री कृष्ण मैसेंजर के तौर पे गए थे उनके पास और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि यू नो आप, यू नो ही वॉज टेलिंग दुर्योधन कि आप यू प्लीज थिंक लाइक अ किंग, राइट, आप किंगडम नहीं दे रहे एंड दे आर क्षत्रियास, वो अपना ड्यूटी, अपना धर्म जो है कैसे निभाएंगे. एंड ही रिक्वेस्टेड अ लॉट, बट दुर्योधन जो है डिनाई कर दिया उन्होंने. तो लास्ट में श्री कृष्ण ने, लॉर्ड श्री कृष्ण ही कॉम्प्रोमाइज, सॉरी सो ही सेड, लॉर्ड श्री कृष्ण क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला ठीक है आप जो है पांच राज्य दे दीजिए, आई डोंट वांट द हाफ ऑफ द किंगडम, आप मुझे पांच राज्य दे दीजिए, क्योंकि पांच पांडव है, सब लोगों को एक एक राज्य दीजिए, वो लोग दे विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट. ओके, लेकिन दुर्योधन का माइंड सेट देखिए आप, ही वॉज सो इविल, इतना दुष्ट, यू नो वी ऑलवेज कॉल दुष्ट दुर्योधन. Right, तो दुष्ट दुर्योधन ने क्या बोला, राइट, ही सेड कि पांच नो गांव तो क्या, मैं आपको इतना सा भी जमीन नहीं दूंगा. कितना सा बोल रहा है, कंपैरिजन देखिए, जो सुई होता है नीडल, उसका जो टिप होता है वो अगर आप लैंड पे रखेंगे कितना आता है, दैट सरफेस ऑल्सो मैं नहीं दूंगा. दैट्स व्हाट ही टोल्ड, सुई के नोक के बराबर जमीन भी मैं आपको नहीं दूंगा. दिस वॉज दुर्योधन, वेरी वेरी इविल, इतना उसका माइंड सेट ये था. Right? So, शांति दूत का जो प्रस्ताव लेके कृष्ण गए थे वो फेल हो गया था. अब इसके बाद इट वॉज सर्टन कि वॉर तो होना ही है. ओके, नाउ हस्तिनापुर राज्य का नहीं मिला एंड युद्ध यहाँ से स्टार्ट होता है, वॉर वॉज डिक्लेयर्ड. ओके, सो व्हाट इज द मूड टू अंडरस्टैंड भगवद गीता, क्या मूड होना चाहिए, सोते हुए देखना चाहिए, भगवद गीता सुनना चाहिए, नो, व्हाट इज द मूड ऑफ भगवद गीता, कैसे किस तरीके से हम एज अ शिष्य हमको सुनना चाहिए, दैट इज ऑल्सो मेंशन. One of the Maharaj was telling this, कि हम usually हम श्वास कैसे लेते हैं, nose, right? Breathing हम nose से करते हैं. Similarly, if you want to breathe Bhagavad Gita, you don't do it with nose. आप नाक से नहीं करते हैं, आप कानों से करते हैं. Are you getting my point? Yes or no? Right? So Krishna कथा सुनने के लिए आपको जो है अपने कानों का इस्तेमाल करना चाहिए. Videos, movies देखे नहीं, not through the eyes, with ears. ओके, सो हम सब, आप जब जितने 34 पार्टिसिपेंट्स है, यू ऑल आर सो फॉर्चुनेट, आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको चांस मिल रहा है, इंक्लूडिंग माइसेल्फ, टू डिस्कस भगवत गीता. आकांक्षा जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो इससे क्या होता है, हम शरणागत होते हैं, वी आर एबल टू सरेंडर टू लॉर्ड, राइट. तो हम सबको आदत डालना चाहिए दैट वी स्टार्ट हियरिंग, वी स्टार्ट द हैबिट ऑफ हियरिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1. अब तक हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था जो कि भगवत गीता में mention है. So we'll start with shloka number 1. मैं आपको shloka numbers दूंगी. If you want, you can write. जो book जिनके पास है वो लोग देख सकते हैं. श्रील प्रभुपाद की जय. धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किमपूर्वक संजय. फर्स्ट श्लोका देखिए, अभी फर्स्ट श्लोका कौन बोल रहे हैं, इतना होली बुक भगवद गीता और श्लोका किससे बुलाया जा रहा है, दुर्योधन से. क्वेश्चन आ सकता है, इतना होली बुक क्यों दुर्योधन ने स्टार्ट किया है, राइट, ही वाज सो इविल, उनसे क्यों स्टार्ट करवाया भगवान, कृष्ण भी तो बोल सकते थे फर्स्ट लोग का क्वेश्चन, राइट. इसका आंसर क्या है, सो वी ऑल नो कि दुर्योधन जो है एकदम दुष्ट थे, अज्ञानी थे वो, राइट, बहुत सेल्फिश थे, राइट. और हम लोग कैसे हैं कलयुग में, हम रिलेटिवल. संकेत प्रभु प्लीज म्यूट योरसेल्फ. फर्स्ट लोग वाज स्पोकन बाय धृतराष्ट्र. क्या बोल रहे हो प्लीज, थोड़ा पहला श्लोक धृतराष्ट्र से बोला गया था, दुर्योधन से नहीं. सॉरी, यस, धृतराष्ट्र. ओके, सॉरी, माय मिस्टेक, वर्डिंग मिस्टेक हुआ. ऑलराइट, सो धृतराष्ट्र, सो धृतराष्ट्र वाज इक्वली दुष्ट, ऐसा नहीं है कि ही वाज वेरी नाइस, अदरवाइज वो अपने बेटे को रोक लेता, राइट, युद्ध नहीं करना है. सो धृतराष्ट्र वाज आल्सो इविल, वो अज्ञानी थे, राइट, भगवान के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे, दैट्स व्हाई अज्ञानी. सो हम लोग कलयुग में, हम भी तो अज्ञान में रहते हैं, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट गॉड और एनीबॉडी, वी सी अराउंड पीपल, राइट, सो इग्नोरेंट है हम सभी लोग, इसीलिए हम सबके लिए ही वो जो है फर्स्ट लोग का इग्नोरेंट, क्योंकि ताकि हम सब लोग भी सुन सके, दैट्स व्हाई इट वाज गिवन टू धृतराष्ट्र, इट वाज सेड बाय धृतराष्ट्र. ओके, नाउ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र वाचा, हर श्लोका में आपको दिखेगा, कुछ कुछ श्लोका इसमें जब कोई न्यू पर्सन स्टार्ट करेंगे तो धृतराष्ट्र उवाचा, उवाचा का मतलब उन्होंने बोला है. ओके, नाउ धृतराष्ट्र कौन थे, राजा.
नाउ संजय कौन थे? एनीबडी कैन आंसर, संजय कौन थे? धृतराष्ट्र का उनसे क्या रिलेशन था? आशिक प्रभु, यस, आप बोलना चाहते हैं? आई थिंक उनका मंत्री थे वो, मंत्री, यस 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 करेक्ट, ही वाज अ सेक्रेटरी, राइट, सेनापति, सेक्रेटरी यू कैन कॉल इट. सो एक्चुअली क्या हुआ था युद्ध से पहले, बिफोर द वॉर, थोड़ा सा हम स्टोरी डिस्कस करते हैं. व्यासदेव जो थे वो धृतराष्ट्र के पास आए थे. नाउ वी ऑल नो कि धृतराष्ट्र अंधे थे, राइट? सो धृतराष्ट्र के पास वो आए थे और उन्होंने उनसे बोला था कि मैं आपको जो है आई साइट दूंगा, आई का विजन दूंगा, ओके? बट धृतराष्ट्र ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए. क्यों उन्होंने मना किया था? क्योंकि एक तो अधर्मी लोगों का हमेशा विनाश होता है, दिस इज ऑलवेज द स्टेटमेंट, राइट? धर्म की जीत होती है हमेशा. सो इनको पता था कि इनके जो पुत्र है वो अधर्मी है, पांडु लोग धर्म के प्रति थे, राइट? क्योंकि धृतराष्ट्र को पता था कि नहीं, ये तो अधर्मी लोग है और इनका हो सकता, ही वाज वेरी डाउटफुल कि यू नो उनके बेटे का विजय होगा नहीं होगा, लाइक दैट, ओके? सो और पांडव कौन थे? वो धर्म के साइड थे. धर्म के साइड एक और भी जो मेन पर्सनालिटी है, दैट वाज श्री कृष्ण. सो ये उनको डाउट आ रहा था जब वेदव्यास बोल रहे थे नहीं नहीं पता नहीं युद्ध जीतेंगे नहीं जीतेंगे, यू नो, बिगिनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही वाज डाउटफुल. उनको मेरे पुत्र जिंदा रहेंगे या युद्ध भूमि में मर जाएंगे ये पता नहीं है. सो दैट इज वन रीजन व्हाई ही सेड नो. पूरी लाइफ में मुझे आईसाइट नहीं था, विजन नहीं था, अभी मृत्यु के टाइम पे आप विजन लेके क्या करेंगे, राइट? मैं विजन लेके क्या करूंगा? इट इज ऑफ नो हेल्प. आप सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? यस, दैट्स व्हाई ही डिनाइड. तो इसकी वजह से क्या हुआ, बिकॉज वेदव्यास जी के शिष्य थे व्हाट इज हिज नेम, संजय, राइट? दैट इज द रीजन व्हाई उनको जो है दिव्य दृष्टि मिली थी, ओके? उनको ज्ञान चक्षु मिला था. सो दिव्य दृष्टि इज लाइक, नाउ वी ऑल सी नो ब्रॉडकास्ट होता है टेलीविजन, पता नहीं कहाँ एक्टिंग कर रहे हैं, नाउ वी सी द मूवीज, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग, राइट? सिमिलरली यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा था पूरा भगवद गीता फ्रॉम द हार्ट ऑफ संजय, ओके? उनके उनके हार्ट में नॉलेज पूरा शेयर किया था वेदव्यास जी ने, एंड ही वॉज ब्रॉडकास्ट, टीवी और नो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, ओके? दैट वॉज द पावर दे हैड. सो दिस वॉज वन. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे दो चीजें बता रहे हैं श्लोका वन में, दैट इज धर्म क्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र. थोड़ा सा फास्ट चलूंगी बिकॉज वी हैव मेनी श्लोकास टू कवर. कुरुक्षेत्र वॉज, क्यों कुरुक्षेत्र बोल रहे हैं? बिकॉज इट वॉज रूल्ड बाई कुरु, कुरु डायनेस्टी था, कुरु का वंश था, तो दैट्स वाई कुरुक्षेत्र. एंड धर्म क्षेत्र क्यों बोल रहे हैं? धर्म क्षेत्र इसलिए क्योंकि उस प्लेस में, कुरुक्षेत्र के प्लेस में बहुत सारे देवी देवता, ऋषि मुनि जो आके वहां पे यज्ञ करते थे, पूजा करते थे. एंड बिकॉज देखिए, जो भी स्थल पे हम ज्यादा यज्ञ पूजा वगैरह करते हैं वो पायस हो जाता है, ओके? पवित्र हो जाता है, दैट इज वाई धर्म क्षेत्र. नाउ यहाँ पे ना धृतराष्ट्र के डाउट्स आ रहे हैं. यहाँ पे क्या डाउट आ रहा है धृतराष्ट्र को, यू कैन जस्ट राइट डाउट्स ऑफ धृतराष्ट्र. फर्स्ट डाउट क्या आ रहा है, एक तो ये होली प्लेस है, राइट? इतना ये पवित्र प्लेस है, कहीं स्थल का प्रभाव पड़ गया तो वॉट इफ दिस प्लेस हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन माई सन, राइट? सो देखिए, पांडव पायस लोग थे, दे वर पवित्र, राइट? धर्म के उनके साइड था, एंड दीज वर इविल, कंप्लीटली ऑपोजिट. तो जब स्थल प्रभाव है तो दोनों पे पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये लोग अच्छे लोग थे तो इनपे इफेक्ट होने का चांस नहीं है, बट मेरे सन्स तो यू नो दे वर इविल, उनपे स्थल प्रभाव पड़ गया, उल्टा हो गया तो, राइट? तो और एक डाउट क्या था उनका, कि वो सोच रहे थे कि शायद पांडव, क्योंकि वो लोग अच्छे लोग हैं, शायद उनके मन में आया होगा कि नहीं, युद्ध भूमि में इतने सारे लोग हैं, सब लोग मर जाएंगे, खून खराबा होगा ज्यादा, राइट? इससे अच्छा है कि पीस का प्रस्ताव, यू नो, शांति प्रस्ताव शायद वो लाएंगे. तो उनका मन में ये भी था कि शायद पांडव जो है बोला होगा उन्होंने कि नहीं नहीं चलो ऑल पीस, चलो एग्जिट, ऐसा बोला होगा उन्होंने, बट ऐसा नहीं था, राइट? बट उनके मन में था ऐसा, right? So that, because this war, Mahabharata, was the biggest war in the history. It was not an ordinary war. So like that. So yuddha hoga, nahi hoga, ye sab unke man mein prashna chal rahe the. To ye Sanjay se wo poochte hain ki kya chal raha hai yuddha bhumi mein, aap mujhe batai. This was first shloka. And Dhritarashtra ka nature humne discuss kiya tha, that he was very selfish. Wo bahut swarthi the. Politician the wo bahut achhe. Hum aage aage discuss karenge ki rajniti kaise kaise kiya unhone. And he was diplomat. Yahan ka, wahan ka, dono. टू साइड्स, वी सी अ लॉट ऑफ पीपल दीस डेज, नो, डिप्लोमैट्स होते हैं आजकल के लाइफ में, राइट? सो लाइक दैट, दैट टाइम देयर वाज ओनली दुर्योधन, धृतराष्ट्र, लाइक दैट. बट ये लोग सब जो है, नाउअडेज वी सी अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस. सो बचपन से ही जो है धृतराष्ट्र बहुत जलते थे, ही वॉज हेटफुल, वेरी वेरी एनवियस की ऑफ यू नो पांडवास. सो इससे हमको जो है उनका माइंड सेट पता चलता है. श्लोका नंबर टू पे जाते हैं. संजय उवाच,
दृष्ट्वा तु पाण्डवानिकं युधं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपासन रम्य राजा वचनम् अभवृत। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट श्लोक में उन्होंने क्या किया, क्या कहा था, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दिस वाज फर्स्ट श्लोक। सेकंड में क्या बोल रहे हैं संजय ने, अभी संजय जवाब दे रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। सो यहाँ दिस साइड पूछ रहे दुर्योधन, सॉरी धृतराष्ट्र एंड संजय का कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि वहां जो वॉर हो रहा है वहां पे क्या चल रहा है, ओके okay? और वहां पे क्या हो रहा है कि जो दुर्योधन थे, जो आर्मी लीडर था, वो गए थे अपने गुरु के पास, दैट इज द्रोणाचार्य, उनके पास गए। तो ये श्लोका नंबर 3 में आएगा। बिफोर दैट श्लोका नंबर 2 में बताते हैं शिल प्रभुपाद कि धृतराष्ट्र जो है जन्म से तो अंधा था, राइट, ही वाज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, लेकिन उनका जो आध्यात्मिक विजन था दैट वाज आल्सो ब्लाइंड, ही वाज ब्लाइंड बाय स्पिरिचुअल विजन आल्सो। सो उसके उनके पुत्र भी ऐसे ही थे ऐसा बता रहे हैं। तो संजय जो है वो समझ गए थे इनके मन में क्या चल रहा है। सो ही कैचेस हिज माइंड कि यू नो ही वांट्स व्हाट ही वांटेड, व्हाट दुर्योधन वांटेड। सो सॉरी धृतराष्ट्र को क्या मन में चल रहा था वो उन्होंने पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए, आपके जो पुत्र है दे आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज, युद्ध तो होगा ही, तसली दे रहे थे दिस साइड। ओके, नाउ दुर्योधन जो है ही दिस साइड ऑफ द वॉर, दुर्योधन वेंट टू हिज सेनापति द्रोणाचार्य। एक्चुअली वो क्यों गए थे, वॉर के पहले दोनों साइड यू नो दे हैव द मिलिट्री फोर्स, यहाँ से भी यहाँ से भी, ओनली देन दे स्टार्ट द वॉर, ठीक है। सो जब दुर्योधन ने देखा, एक्चुअली दुर्योधन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स लेके आएंगे पांडव। सो जब उन्होंने देखा तो वो देखने के बाद फटाफट ही वेंट टू द्रोणाचार्य एंड ही सेड द फॉलोइंग थिंग्स। नाउ जैसे हमने डिस्कस किया महाभारत जो है बिगेस्ट वॉर इन हिस्ट्री, ओके, biggest war in history, and ऐसा नहीं है कि you know it lasted for many years, नहीं, उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, it lasted for 18 days, सिर्फ 18 दिन में। आजकल के युद्ध देखिए रशिया यूक्रेन पता नहीं कब से मंथ्स हो गए, वॉर ऑल्सो डिडंट स्टार्ट एंड इट लास्टेड, आजकल के वॉर इज डिफरेंट, वहां पे ऐसा नहीं था। वहां उस टाइम पे कैसे होता था कि फुल पोटेंशियल के साथ दिस पार्टी दोनों युद्ध करते थे एंड 18 डेज में खत्म, फिनिश लाइक दैट, ये उस टाइम पे वॉर होते थे। ये बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, इट वॉज नॉट ऑर्डिनरी लाइक वी डिस्कस्ड। 18 अक्षौणी सेनाएं थी इसमें, ओके, 1 अक्षौणी सेना इज इक्वल टू 218,700 वॉरियर्स, 218,700 वॉरियर्स एक अक्षौणी सेना में होते हैं। इस तरीके से टोटल महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेनाएं थी और इसमें से 11 तो सिर्फ दुर्योधन की थी। सो अगर हम कंपैरिजन देखें नंबर का भी, तब भी जो है दुर्योधन नंबर वाइज ज्यादा स्ट्रांग थे, उनका मिलिट्री पावर ज्यादा था, लेकिन जीते कौन थे, पांडव जीते थे, राइट। सो लाइक दैट, सो 7 जो अक्षौणी सेना थी वो पांडव के पास थी। एक्चुअली जब आप लोग को याद है कृष्ण सेटल करने गए थे मैसेंजर के तौर पर, हमने डिस्कस किया था, राइट, उस टाइम पे क्या हुआ था, कृष्ण ने चॉइस दिया था। देखिए कृष्णा सेज, देखिए मेरे पास सेना भी है और मैं गाइडेंस भी दे सकता हूँ, तो आप लोग चूज कर लेना, आपको मेरी सेना चाहिए तो सेना ले लीजिए, आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस ले लीजिए। दुर्योधन बिकॉज ही वॉज एविल माइंडेड, तो उन्होंने नंबर्स पे वो ही वॉज सोल्ड आउट दैट टाइम। सो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं कृष्ण की सेना लूंगा, आई डोंट वॉन्ट कृष्णा, आई वॉन्ट सेना, नारायणी सेना उन्होंने ले लिया था, विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सेना ही हैड। लेकिन पांडव वेर इंटेलिजेंट, तो उन्होंने कृष्ण का गाइडेंस लिया था, राइट। कृष्ण का एक कंडीशन था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, I will just, you know, I will rath sarthi banunga. I will be a charioteer, driver like that. Okay. Moving on, shloka number 3 mein hum discuss karte hain. Sare shlokas mein read nahin karungi, but I will give you the meanings of the shlokas. So third shloka mein jab Duryodhan Dronachari ke paas gaye the, this side of the story, to wo dekhiye, wo unke guru the. Aise to guru ke paas kyu jate hain? Aagya lene jate hain. But that time he didn't go for that. Wo unko order dene ja rahe the. So look at his character, ऐसा, right? So वो उनको क्या बता रहे हैं कि देखिए देखिए आपके जो शिष्य है कितने अच्छे से उन्होंने मिलिट्री फोर्स खड़ा किया है, बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, याद है आपको, राइट, सो ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो वो उनको टॉन्ट मार रहे थे कि देखो देखो आपके जो शिष्य है इन लोगों ने इतना बड़ा सेना खड़ा किया है। एक फास्ट टाइम मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। सो एक्चुअली वो उन्होंने पॉइंट आउट किसको किया था, दृष्टद्युम्न,
धृष्टद्युम्न कौन थे? द्रुपद के पुत्र थे। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा स्टोरी डिस्कस करेंगे, द्रुपद का पास टाइम। ओके, सो एक्चुअली क्या हुआ था, ये लोगों का बहुत पुराना जो है फाइटिंग था, there was a dispute between these people. So how does the story start? So Dronacharya और द्रुपद ये जो थे स्कूल फ्रेंड्स थे, गुरुकुल जाते थे दोनों साथ में पहले, राइट, एंड दे वर वेरी वेरी क्लोज। सो अब द्रोणाचार्य जो थे वो पहले से ही ब्राह्मण, राइट, ही वॉज ऑलवेज अ ब्राह्मण, राइट, एंड द्रुपद वॉज क्षत्रिय, ठीक है। सो जब इन लोगों का गुरुकुल खत्म हो गया था, तो द्रुपद बिकॉज ही वॉज क्षत्रिय, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था द्रोणाचार्य से कि यू नो आप, मैं जब राजा बनूंगा, अब तो ये बच्चे थे बट बोल रहे थे कि मैं जब राजा बनूंगा तो मैं जो है आपको हाफ ऑफ द किंगडम, आधा किंगडम मैं आपको दे दूंगा, राइट, कभी भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम आए आप मेरे पास आना, दिस वॉज द केस, राइट। अब जब गुरुकुल खत्म हो गया तो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, ये अपने घर गए, द्रोणाचार्य शादी हो गई इनकी, राइट, एंड ही हैड अ सन नेम अश्वत्थामा, इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अश्वत्थामा, राइट। नाउ द्रोणाचार्य जो थे बहुत 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 गरीब थे, वेरी वेरी पुअर, राइट, इतने गरीब थे कि उनको अश्वत्थामा को दूध पिलाने का अमाउंट नहीं था, गाय नहीं थी उनके पास, राइट, अश्वत्थामा ने पूरी जिंदगी में दूध नहीं पिया। ओके, सो दैट वॉज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द्रोणाचार्य, इतने पुअर थे वो, राइट। सो एक दिन क्या हुआ था, उनके जो मित्र थे अश्वत्थामा के मित्र, उन्होंने क्या, उनको परेशान करने के लिए, अश्वत्थामा को मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पाउडर लिया था, इट वॉज लाइक एन आटा, पानी में मिला के उनको दिया कि देखो ये दूध है पी लो, हाउ ही मेड फन। तो यू नो, एंड हु सॉ दिस, उनके पिताजी ने देख लिया था कि इनके फ्रेंड्स जो है इनका मजाक उड़ा रहे हैं, ओके, कि अश्वत्थामा को दूध के बहाने इन लोग आटा खिला रहे हैं पानी में मिला के, राइट। सो उनको बहुत बुरा लगा कि मैं अपने बेटे को दूध भी नहीं पिला पा रहा हूँ, ओके। सो अब उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो कंडीशन ही नहीं है कि मैं यू नो कुछ कर सकूं। तो उनको याद आया था बचपन का वो प्रॉमिस जो किसने किया था, एनीबडी, किसने किया था प्रॉमिस, द्रुपद, यस, थैंक यू। सो द्रुपद ने जो प्रॉमिस किया था, तो वो द्रुपद के पास जाते हैं। एक्चुअली उनकी वाइफ बोलती है उनको कि यू नो आप गाय अरेंज क्यों नहीं करते ना, तो उनके बोलने पर उनको याद आता है कि हाँ मेरा जो मित्र है उनके पास जाता हूँ और मैं गाय अरेंज करता हूँ। सो इमीडिएटली जो है वो द्रुपद के पास चले गए थे एंड वो उनको बोलते हैं कि द्रुपद हम फ्रेंड्स है, यू नो वी स्टडीड इन गुरुकुल, राइट, आप मुझे शायद पहचान नहीं पा रहे होंगे बिकॉज मैं गरीबी में हूँ, मैं बहुत पतला हो चुका हूँ, राइट, यू मे नॉट रिकोगनाइज मी। लेकिन द्रुपद का बिहेवियर बदल गया था, ही इंसल्टेड, उन्होंने बोला कि किस तरीके से आप और मैं फ्रेंड्स है, आपने स्टेटस देखा है आपका, दोस्ती उनमें होती है जिनका स्टेटस बराबर का होता है, आप गरीब है बहुत एंड आई एम अ किंग, हम दोनों का देयर इज नो चांस। तो बहुत इंसल्ट फील हुआ उनको, हाँ, द्रोणाचार्य को, कि अरे ऐसे कैसे कह दिया उन्होंने, एंड ही वी वर फ्रेंड्स, बहुत हर्ट हुए और वो वहां से निकल गए। वहां से उन्होंने जो है धनुर्विद्या, ओके, मास्टर आर्चरी का ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। सो बदले, यू नो बदले की भावना से, ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, तो उन्होंने जो है ट्रेनिंग जब आर्चरी का स्टार्ट किया था, तो वो कौरव और पांडव दोनों को ट्रेन करते थे पहले। सो परंपरा क्या है, देखिए आजकल तो वो सिस्टम नहीं देखते हैं, बट गुरु शिष्य परंपरा क्या था कि गुरु जब कुछ भी सिखाते हैं तो गुरु दक्षिणा होता है। सो उस टाइम पे गुरु दक्षिणा पूछा उन्होंने, तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने क्या पूछा, उन्होंने बोला कि ये जो द्रुपद है उनको आप बंदी बना के लेके आओ, मारना नहीं है, डोंट किल, जस्ट गेट हिम इन क्लचेस, उनको लेके आइए, ओके। सो कौरव को उन्होंने परमिशन नहीं दिया था बिकॉज उनको पता था कि वो दुर्योधन नहीं कर पाएगा, लेकिन अर्जुन को उन्होंने बोला, अर्जुन बहुत आज्ञाकारी शिष्य थे, सो उन्होंने बंदी बना के द्रुपद को लेके आए थे। आगे क्या हुआ, इज माई स्पीड ओके, फास्ट स्लो, ओके स्पीड ओके, यस और नो, ओके ओके, यस ओके, आई कंटिन्यू। सो अब क्या हुआ था, अब जो है उनको बंदी बना के ला लिया था द्रुपद, राइट, तो द्रोणाचार्य बहुत खुश हो गए। अब वो बोलते हैं कि देखिए अब हम बराबर के हो गए ना, नाउ आई हैव द किंगडम, हाफ ऑफ द किंगडम, राइट। सो एक्चुअली वो उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे, उनको इंसल्ट करने के लिए नहीं, लेकिन अब द्रुपद इंसल्ट हो गए कि अरे मेरी बेइज्जती कर दी इन्होंने, राइट। सो उन्होंने क्या किया, रिवेंज के बदले, रिवेंज लेने के माध्यम से एक यज्ञ किया था, शिवजी से उन्होंने प्रार्थना की थी और एक यज्ञ किया था। उन्होंने यज्ञ में क्या पूछा, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो जो कि द्रोणाचार्य को मार सके, ओके। उस पुत्र से निकले थे जो है अश्वत्थामा, सॉरी धृष्टद्युम्न, नॉट अश्वत्थामा, उस जो यज्ञ से निकले थे दैट वाज धृष्टद्युम्न,
ओके उस कुंड में एक्चुअली द्रौपदी भी निकली थी. सो दिस वॉज द केस, दिस वॉज द बैक स्टोरी. अब जो धृष्टद्युम्न थे, अगेन धृष्टद्युम्न जो है द्रोणाचार्य के पास ही गए थे शिक्षा लेने, और द्रोणाचार्य बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, उनको पता था कि इनकी मृत्यु जो है इससे ही होगी, धृष्टद्युम्न से. लेकिन फिर भी बिकॉज वो गुरु के लेवल पे थे तो उन्होंने इक्वल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था. ओके सो इवन आफ्टर नोइंग, वो एक्चुअली एक वैष्णव की क्वालिटी होती है. एक जो सच्चा वैष्णव होता है वो इतना हम्बल होता है दैट ही इज रेडी टू गिव हिज नॉलेज, दैट इज अ टीचर. ओके सो इस तरीके से जो है अब श्लोका नंबर 3 में दुर्योधन टॉन्ट मारते हैं, हाँ कि आपने आपने ही सिखाया ना धनुर्विद्या, राइट, इसीलिए देखो आज मिलिट्री फोर्स खड़ा किया है इन्होंने. Are you getting my point? Yes. अब आपके ही शिक्षाओं को वो आपके अगेंस्ट यूज कर रहा है, तो वो उनको टॉन्ट बोल के बता रहे हैं कि आपका जो, देखिए हर शिष्य टीचर का अपने अपने स्टूडेंट के साथ सॉफ्ट कॉर्नर एक अटैचमेंट होता है, तो वो उनको क्या बोल रहे हैं कि आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना धृष्टद्युम्न के लिए, क्योंकि वो आपका शिष्य है, इसको हटाइए. ओके डोंट बी लीनियंट, आप इनसे कोई लीनियंसी मत रखिए और युद्ध कीजिए बराबर. ओके लाइक दैट ही वॉज ऑर्डरिंग. ओके सो डोंट बिकम टू लीनियंट वॉज द केस. आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट श्लोकास में श्लोका नंबर 4 से लेके 11 पे, 4 to 11 हम मिलिट्री सेना के डिटेल्स में, मतलब मिलिट्री में कौन कौन थे, इनके साइड कौन था, उनके साइड कौन था, दैट वाज देयर, सो आई विल नॉट डिस्कस दैट, जस्ट बता देती हूँ. सो श्लोका नंबर 4 में क्या बता रहे हैं, जस्ट आई विल रीड इट इन हिंदी. इन सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधन विराट तथा द्रुपद. सो इस तरीके से जो है 15 सोल्जर्स का ऐसा नाम आता है 4 to 11 श्लोका से. तो देखिए यहाँ पे जो है नोट करने वाली चीज ये है कि फर्स्ट उन्होंने अर्जुन का नाम नहीं लिया. दुर्योधन ने ये नहीं बोला कि अर्जुन है भीम है ना, ही सेड भीम है अर्जुन है. व्हाई ही सेड भीम फर्स्ट, एनीबडी नोस, उन्होंने भीम का नाम क्यों लिया फर्स्ट, यस और नो? दुर्योधन वॉज इनसिक्योर अबाउट भीम. वेरी नाइस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू माता जी. सो एक्चुअली दुर्योधन ऑलवेज हेटेड भीमा, उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे वो, बचपन से ही वो उनसे बहुत ईर्षा करते थे, एंड उनको पता था कि इनकी मृत्यु तो, मेरी मृत्यु तो भीम से ही आएगी. सो दैट्स व्हाई ही वॉज मोर इनसिक्योर अबाउट हिम, तो वो उनका नाम पहले ले. दैट इज श्लोका नंबर 4. लेट्स मूव ऑन टू श्लोका नंबर 9. ओके सो श्लोका नंबर 9 में क्या बता रहे हैं, ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है, वे विविध प्रकार के हथियारों से सज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है. सो यहाँ पे अगेन दुर्योधन का माइंडसेट देखिए, सबके बारे में बोल रहा है, इसमें ये है, इसके टीम में ये है, ये है, बट ही इज फॉरगेटिंग द मेन पर्सन, श्री कृष्ण का तो नाम लिया ही नहीं, राइट, सो दैट इज द केस. और रादर उनको उनकी दृष्टि ऐसी थी कि वो भगवान को देख नहीं पाए, इट वॉज लाइक दैट. ठीक है, सो यहाँ पे भी हम उनको सेल्फिश नेचर पता चलता है. वो क्या बोल रहे हैं श्लोका नंबर 9 में कि मेरे लिए, मुझे जिताने के लिए इन सब लोग मरने के लिए भी रेडी. सो दैट वाज दुर्योधन. ओके सो ही वाज, इट वाज हिज माइंडसेट. सो एक्चुअली देखिए ऐसा नहीं, अभी वो ये सब, ये युद्ध में ये है किसको बता रहे थे, द्रोणाचार्यों को बता रहे थे, उनको यू नो टॉन्ट मार रहे थे कि इनके युद्ध में, इनके फील्ड में ये है, इनके फील्ड में ये है. सो आप लोगों को लगता है कि यू नो द्रोणाचार्य को पता नहीं था कि युद्ध में कौन कौन है? ऑब्वियसली ही न्यू, ही वाज द सेनापति, बट उनको उनका खून खौल रहा था तो एजिटेट करने के लिए उन्होंने बोला था. हाँ ऐसा, सो चार्ज कर रहे थे उन लोग फ्यूरियस कंप्लीटली, उनको अगर मैं इनका नाम बोलूंगा तो वो और लड़ेंगे, ऐसा बोल के उन्होंने ऐसे नाम बताया था. कमिंग टू श्लोका नंबर 10. अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम इदम एस देशम बलम भीमाभिरक्षितम. श्लोका नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है, सीमित यानी लिमिटेड. ओके सो यहाँ पे जो है दुर्योधन का कैलकुलेशन चल रहा था. ओके वो कैलकुलेट कर रहे थे, मेरे पास 4 अक्षौहिणी है, इनके पास 7 है, मेरी मिलिट्री स्ट्रेंथ ज्यादा है, इनकी स्ट्रेंथ कम है, लाइक दैट. और वो रिपीटेडली और केयरफुली यू नो एनालाइज कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे पूरा बैटल फील्ड को. ओके सो एक्चुअली फर्स्ट जो 10 श्लोकास है उसमें ना दुर्योधन का डर मालूम पड़ता है, उन डर के मारे वो इतना सबके नाम एंग्जाइटी, यू नो सो मच एंग्जाइटी फर्स्ट 10 श्लोकास में हमको दिखता है. नेक्स्ट जो श्लोकास है, नेक्स्ट सेट ऑफ श्लोकास, उसमें हमको किस तरीके के कॉन्शल्स यानी कि जो शंख बजे थे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है,
और जो लास्ट श्लोका से उसमें वो चार रीजन बताते हैं कि अर्जुन ने किस क्या क्या रीजन दिया था, बहाने वो कर रहे थे कि नहीं नहीं युद्ध नहीं करूंगा मैं, लाइक दैट. सो दिस वाज दैट. सो श्लोका नंबर 10 में देखिए डिप्लोमेसी का मतलब समझाते हैं यहाँ पे, कि उन्होंने भीष्म पितामह को प्रेस किया था, उनकी वाहवाही कर रहे थे, राइट. सो अब उन्होंने भीष्म पितामह की उन्होंने बोला राइट कि ये तो हमारे संरक्षक. ओ वन सेकेंड, सो वो बोल रहे थे कि भीष्म पितामह हमारे संरक्षक है ये वो. अब देखिए युद्ध भूमि में ऐसा नहीं था कि भीष्म पितामह अकेले थे, पीछे इतनी बड़ी सेना खड़ी थी. इसका पॉलिटिक्स देखिए, उनको लगता है दुर्योधन को कहीं पीछे वाले बुरा ना मान जाए, तो फिर आगे क्या कहते हैं कि नहीं 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 भीष्म पितामह बुजुर्ग है ना, ही इज वेरी ओल्ड, राइट. तो हम सबका जिम्मेदारी बनता है कि हम इनके जो है प्रोटेक्शन दे हम लोगों को, तो हम सब लोग इस तरीके से कोऑर्डिनेट. दिस वॉज दुर्योधन, ओके, ही वॉज लाइक सो डिप्लोमैट, राइट. एंड एक्चुअली दुर्योधन को क्यों फील हो रहा था कि वो युद्ध जीत जाएगा, एक तो मिलिट्री स्ट्रेंथ था ही कि उनका पावर 11, उनके पास अक्षौहिणी सेना थी, उसके अलावा कि भीष्म पितामह हमारे साथ है ना, देन आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हुआ, दिस वाज वन रीजन, ओके. सो ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा था उनको, क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था तब इन्होंने कुछ बोला नहीं था भीष्म पितामह एंड द्रोणाचार्य ने. सो उनका था कि तब उन्होंने नहीं बोला अभी क्या वो लोग पांडव के साइड जाएंगे, अभी ये मेरे साइड रहेंगे, लाइक दैट. और उन्होंने उनका अन्न खाया था भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य. सो ड्यूटी बाउंड था वो लोग कि राजा जिस साइड है उस साइड हमको सर्व करना है. सो ड्यूटी बाउंड वो लोग थे राजगद्दी का साइड, ओके. सो दैट इज द रीजन वाई कि इतने जो परम भीष्म पितामह एंड ऑल दीज पीपल दे हैड टू टेक दुर्योधन साइड. सो डिप्लोमेसी दुर्योधन का पता चल रहा है कि पहले वो द्रोणाचार्य को बताते हैं, फिर भीष्म पितामह के बारे में प्रेस करते हैं, फिर बाकी सब सुन रहे हैं, उनको डर भी लग रहा है. सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट. सो भीष्म पितामह सुन लेते हैं, अब उनको समझ में आता है कि इनके मन में जो है डर चल रहा है. सो भीष्म पितामह बिकॉज उनके केयर टेकर थे, तो आगे वाले श्लोकास में बताते हैं, श्लोका नंबर 12-13 यहाँ पे क्या बता रहे हैं. आई जस्ट रीड इट आउट, ओके. एक्चुअली यहाँ पे इज नॉट मच टू टेल. सो भीष्म पितामह को उनका जो मन है, मनस्थिति है, वो समझ में आया, तो उन्होंने उनको जो है थोड़ा शांत करने के लिए जो है शंख बजाया था भीष्म पितामह ने, ओके, क्योंकि he was the caretaker and he has to do his duty. दो रीजन बता रहे हैं यहाँ पे, एक तो जो ये डिप्रेस्ड दुर्योधन है उनका जो डर है वो भगाने के लिए उन्होंने कॉन्शियल वन बजाया था, शंख बजाया था कि नहीं मैं हूँ, आई एम देयर, ओके, डोंट वरी, लाइक दैट. सेकेंड इज भीष्म पितामह इनडायरेक्टली उनको बता रहे थे कि देखिए दुर्योधन आपका ना कोई चांस नहीं है विक्ट्री का, विजय नहीं होंगे आप. क्यों? क्योंकि लॉर्ड श्री कृष्ण खड़े हैं उनके साथ, लाइक दैट. इनडायरेक्टली वो उनको शंख से बता रहे थे कि आप गिव अप कर दीजिए. श्लोका नंबर 13 यहाँ पे बस इंस्ट्रूमेंट्स बताते हैं कि क्या क्या युद्ध के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट्स बचते थे. विल जस्ट रीड इट आउट. तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही सही सिंह सहसा एक साथ बज उठे, वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण थे. तो जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स की क्या क्या यूज होते थे उस टाइम के वॉर में, दैट इज डिस्क्राइब. वर्स नंबर 14 आई विल रीड आउट. तथा श्वेतेर हयेर्युक्ते महति स्यान्धनेश्रितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतौ. देखिए यहाँ पे श्लोक में फर्स्ट मेंशन आ जाता है श्री कृष्ण का, उनको क्या बुला रहे हैं, माधव, ओके, हे माधव, ऐसे बुला रहे हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट श्लोक ऑफ मेंशन ऑफ श्री कृष्ण, ओके. सो यहाँ पे 5 साइंस ऑफ विक्ट्री, ओके, 5 चिन्ह थे जिससे हमको उनकी विक्ट्री की पांडव तो जीतेंगे ये पता चलता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट वाज दिस 5 थिंग्स. एक तो व्हाइट हॉर्सेस, फर्स्ट वन इज व्हाइट हॉर्सेस एंड उनके जो शंख थे, दैट इज फर्स्ट. सेकेंड उनका रथ. थर्ड भगवान स्वयं उनके साइड थे, कृष्ण, और जहां पे विष्णु मूर्ति रहते हैं दैट इज श्री कृष्ण, वहां पे लक्ष्मी जी भी रहती है, राइट. सो दैट इज वन रीजन कि लक्ष्मी जी भी थे. फिफ्थ इज कपिध्वजा. कपिध्वजा श्लोका नंबर 20 में शायद आएगा, सो वी विल डिस्कस दैट. सो इनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं श्लोका नंबर 14 में, कि ये व्हाइट हॉर्सेस, राइट, ये सब क्या थे, राइट, हाउ डिड ही गेट इट, राइट. सो जो कृष्ण और अर्जुन के शंख थे वो दिव्य थे, इट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल, दिव्य शंख थे उनके, राइट. दिव्य किस लिए बता रहे हैं, कि कृष्ण भगवान के शंख बजाने के टाइम उनके लिप्स टच हो रहे थे, राइट. सो दैट्स व्हाई कृष्णा, वॉट एवर इज कनेक्टेड टू कृष्णा दैट इज दिव्य, लाइक दैट. ओके, सो सेकंड, दिस इज वन रीजन. सेकंड इज रथ. सो एक्चुअली ये जो रथ का भी एक स्टोरी है, ये जो रथ मिला था इनको वो अग्निदेव ने
दिया था इनको. सो एक बार क्या हुआ था, खांडव वन में अर्जुन और कृष्ण जो है वो विहार कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, एंड देन अग्निदेव आए थे. अग्निदेव उनको बोलते हैं कि यू नो आई एम वेरी हंग्री, मुझे भूख लगी है, कुछ कीजिए एंड ऑल, राइट. सो उस टाइम पे क्या है, अर्जुन ने पूरी जो एक खांडव वन था उनको उसको जला दिया, राइट, सो दैट अर्जुन कैन अग्निदेव कैन कंज्यूम इट, ही विल ओनली हैव फायर नो लाइक दैट. अब एक क्वेश्चन आ सकता है, यू नो अग्निदेव खुद अग्नि के देव है, वो खुद भी तो लगा सकते थे आग, भाई अर्जुन का हेल्प की क्या जरूरत थी उनको. सो एक्चुअली क्या हुआ था, उनको इंद्र इंद्र रोक रहे थे, इंद्रदेव, ओके, ही वाज कंटिन्यूअसली रेनफॉल कर रहे थे, जब भी वो आग लगाने की कोशिश करते इंद्रदेव बारिश करते ऊपर से, राइट. व्हाई ही वाज डूइंग दैट, क्योंकि इंद्रदेव का एक फ्रेंड थे स्नेक, ओके, सर्प थे, सर्पेंट, ओके, स्नेक, इसका नाम था तक्षक. तो तक्षक वो वन में था ना, इसीलिए वो फ्रेंडशिप बचाने के चक्कर में जो वो रेनफॉल कर रहे थे बार बार. अर्जुन ने कैसे आग लगाई, फिर अर्जुन ने क्या किया था, धनुर्विद्या में वो माहिर थे, सो उन्होंने पूरे जंगल में तीर से कवर कर दिया था सरफेस, सो दैट एक बूंद भी जो है वो एरो का जो उन्होंने बेड बिछाया था तीरों का वो, उसके नीचे से पानी नहीं जा रहा था, देन उन्होंने नीचे से आग लगा दी. सो लाइक दैट दिस वॉज द स्टोरी. अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए थे कि नहीं अर्जुन ने नाइसली हैड ऑल द अग्नि, उनका he was back to normal and he was very happy, और खुशी के खुश होके उन्होंने जो है उनको गिफ्ट किया था this रथ उन्होंने गिफ्ट किया था, कवच and all he had gifted. So इस तरीके से जो है horses की भी बात आती है कि चित्ररथ ने जो एक गंधर्व थे उन्होंने ये horses दिए थे. And third and fourth we have discussed, so we will move on to shloka number 15. तो 15 में इनके शंख के नाम दिए जा रहे हैं, आप लिख सकते हैं. लॉर्ड श्री कृष्ण का जो शंख था उनका नाम था, उसका नाम था पांचजन्य. अर्जुन का शंख देवदत्त, भीष्म का शंख पौंड्र. तो ये तीन शंख बजे थे. इस तरीके से जो है 15 लोगों के नाम आगे देते हैं जिन्होंने एक्चुअली ये शंख क्यों बजते थे वॉर के टाइम पे, क्योंकि एनकरेज करे, यू नो सब लोग एनकरेज रहना चाहिए, अलर्ट करने के लिए बजते थे, और अपोजिट पार्टी को एक डर बिठाने के लिए ये शंख बजते थे उस टाइम पे, ओके. सो मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 16 टू 19, ये क्लब्ड है तीन श्लोकास. सो यहाँ पे आगे जैसे इन्होंने शंख बजाया तो युधिष्ठर महाराज सबने भी बजाया. युधिष्ठर महाराज का शंख का नाम अनंत विजय, नकुल ने बजाया सुघोष शंख, सहदेव ने बजाया मणि पुष्पका, ओके. सो इस तरीके से मूविंग ऑन श्लोका नंबर 19. सो रिएक्शन बता रहे क्या हुआ था जब इन्होंने शंख बजाया. दिस आई वुड लाइक टू रीड श्लोका नंबर 19. इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी. दैट मींस शैटर कर दिया उनके दिलों को, जो कौरव खड़े थे उनके दिलों में गई ध्वनि, इतना ज्यादा साउंड, लाउड साउंड, ओके. सो दैट वॉज द केस, वेरी वेरी लाउड, और धरती और यू नो इट वॉज कम्प्लीटली टेरिफाइंग, अर्थ हिलने लग गया था, उतना ज्यादा शंख का ध्वनि था, राइट. देखिए जब भीष्म और उन्होंने उनके कौरव ने शंख बजाया तो ऐसा कोई मेंशन नहीं बता रहे हैं, राइट, कि उनको किसी अपोजिट पार्टी को डर लगा, नहीं. बट जब कृष्ण और अर्जुन और उनके पार्टी ने शंख बजाया तो ये हुआ था, कम्प्लीटली टलमल्टस बोलते हैं इसको, वेरी वेरी लाउड नॉइसेस हुआ था, राइट. सो इससे हमको क्या पता चलता है, कि one who takes shelter of supreme lord has nothing to fear even in the midst of greatest calamity. इसका मतलब कि हम जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, अगर हम कृष्ण की शरणागति लेते हैं बिगेस्ट ऑफ कैलामिटीज में, बिगेस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स में, देन हमारा जो रिजल्ट होगा दैट इज विक्ट्री, ओके, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग. सो श्लोका नंबर 20, यहाँ पे जो है आई विल रीड इट आउट अगेन. अथ अव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं तपि त्वजा प्रवर्ते शास्त्र संपाते धनुर्उद्माय पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहा महीपते. यहाँ पे कपि ध्वजा बोल रहे हैं, ओके, पर्पट पढ़ देती हूँ मैं ट्रांसलेशन आपको. उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत हुआ. हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे. यहाँ तक सब बातें हो रही है, आगे अर्जुन बोल रहे हैं, नेक्स्ट श्लोक में से अर्जुन बोलेंगे. सो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ है, कपिध्वजा. कपिध्वजा का मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ. दिस वाज द फिफ्थ साइन ऑफ विक्ट्री ना, कपिध्वजा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो एक्चुअली क्या हुआ था, द्रौपदी ने एक बार डिमांड किया था अपने हस्बैंड से,
यू नो भीम से कि आप मुझे एक ऐसा फूल लाके दो जिसमें 1000 पेटल्स हो, पंखुड़ी, राइट? सो आप लोगों को समझ में आ रहा है, यस और नो? प्लीज रेस्पॉन्ड, अनम्यूट करके बोल सकते हैं. यस. ओके, सो यहाँ पे उनको एक डिमांड किया था कि आप जो है यू आर माय हस्बैंड, सो गेट वन फ्लावर जिसमें 1000 पेटल्स लगे हुए हैं, ओके, 1000 पंखुड़िया. सो भीम जाते हैं, ही गोज टू कादली फॉरेस्ट. कादली एक वन है, वहां पे वो जाते हैं. सो वहां पे जो है हनुमान एक बहुत वृद्ध, यू नो ओल्ड मंकी के तरह, बड़ा मंकी, राइट, लाइक दैट ही सिटिंग देयर इन द फॉरेस्ट. और उनका जो बड़ा पूंछ है वो, दैट इज टेल, वो ऐसा रखा हुआ होता है. एंड अब भीष्म को क्रॉस करना था वो पूंछ को, तो उन्होंने भीम, सॉरी नॉट भीष्म, भीम ने भीम को क्रॉस करना था, तो उन्होंने पूछते हैं वो उनसे कि यू नो आप थोड़ा सा अपना जो है पूंछ हटाइए सो दैट आई कैन क्रॉस, राइट? तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, मैं इतना वृद्ध हूँ, मैं कैसे करूंगा. एक्चुअली ही टुक अन अदर फॉर्म, वो हनुमान के जैसे नहीं बैठे थे, बट ही वॉज हनुमान एक्चुअली, कुछ और फॉर्म लिया था उन्होंने. सो उन्होंने बताया उनको कि यू नो आई एम वेरी ओल्ड, आप प्लीज थोड़ा इसको हटा दीजिए, अन आप क्रॉस कर लेना. तो भीम ही वॉज वेरी प्राउड, ही सेड कि अरे आपको पता नहीं है क्या मैं कितना पावरफुल हूँ, वेरी पावरफुल, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, हनुमान मेरा फ्रेंड है, लाइक दैट. ओके, सो ऐसे वो बता रहे थे. एंड एक्चुअली वो उनका घमंड तोड़ने के लिए ये स्टोरी हुआ था. सो उन्होंने बोला कि आप हटा लीजिए. तो फिर डिस्कशन के बाद उन्होंने उनका जो बड़ा सा पूंछ है उनको हटाने की कोशिश की, बट एक इंच नहीं हिला उनका पूंछ. ओके, सो उनका जो घमंड था कि मैं आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्रश हो गया, टूट गया, राइट? सो तो उनको समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, भीम अंडरस्टूड, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मंकी, ये कोई नॉर्मल मंकी नहीं है. ओके, ही इज कोई देवता होंगे, पूछ रहे थे उनसे, आप देवता है क्या, आप कोई गंधर्व है क्या, आप यू नो आप कोई तो महान भाव लग रहे, यू आर नॉट ऑर्डिनरी लाइक दैट. ओके, सो हनुमान सेज यस आई एम हनुमान. ओके, तो वो सॉर्ट हो जाता है वहां पे. तब उनको एक बेनिडिक्शन मिलता है, एक वर मिलता है उस टाइम पे. सो भीम बोलते हैं, भीम से एक्चुअली पूछा जाता है कि आप ठीक है बताओ आपको क्या वर चाहिए. सो भीम सेज नो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए. तो हनुमान उनसे बताते हैं, हनुमान जी, कि जब भी युद्ध होगा तो आपके साथ मैं दहाड़ूंगा, राइट? आपने देखा कभी, आपने रियलाइज किया होगा कि पहले जब युद्ध होते थे, जब यू नो फाइटिंग होती है विद ऑल द स्वॉर्ड फाइटिंग, दे रोर, राइट? बहुत जोर से आवाज करते हैं, राइट? एग्रेशन होता है उनमें बहुत ज्यादा. यस और नो, प्लीज रेस्पॉन्ड. यस, वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के दहाड़ते हैं जब युद्ध होता है, राइट? इवन हम लोग नॉर्मली ऐसे रेसलिंग मैचेस जो होते हैं चैनल्स पे, उस पे भी देखते हैं, हम लोग एग्रेशन निकालने के लिए वो दहाड़ते हैं. सो ऐसे इस तरीके से जो हनुमान बताते हैं उनके, जब भी आप युद्ध में दहाड़ेंगे तो मैं आपके साथ दहाड़ूंगा. दैट इज द रीजन वाई जो अर्जुन का रथ था उसके टॉप पे जो है एक फ्लैग होता है हमेशा हनुमान का. दैट इज द बैक स्टोरी. ओके, सो मूविंग ऑन, वी विल मूव टू श्लोक नंबर. आप लोग को मीन वाइल समझ में आया यहाँ तक? प्लीज रेस्पॉन्ड. Yes, sir. Yes. All right, thank you, Prabhu. So far हमने जो डिस्कस किया, that is battlefield में क्या चल रहा है. अब यहाँ से जो है अर्जुन महाराज जो है, he will start his questions now. Okay, so श्लोक नंबर 21, 22 very very important. यहाँ पे क्या बता रहे हैं अर्जुन? अर्जुन उवाच, सेनयोरुभयोर् मध्ये रथं स्थापय मे उच्यते, यावद् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धु कामान् अवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धाव्यम् अस्मिन् राणासमुद्यमे. ऑलराइट, सो वी आर डिस्कसिंग श्लोक नंबर 21-22. अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं. सो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कृष्ण को अभी? ही प्रेड टू लॉर्ड श्री कृष्ण, कृष्ण प्लीज आप मेरे चैरियट ड्राइवर है, आप प्लीज दोनों आर्मीज के बीच में जो है मेरा रथ लेके चलिए. ओके, सो दो रीजन बताते हैं यहाँ पे कि क्यों अर्जुन ऐसा बोलते हैं. पहला रीजन कि ही वॉन्टेड टू सी कि दुर्योधन के साइड आया कौन है. ओके, कि यू नो हु इज ऑन द अदर साइड. दुर्योधन का इतना इविल दुर्योधन है, ऐसे लोगों का हेल्प करने के लिए कौन आया है, वो देखना चाहते हैं. सेकेंड, एस्टिमेट करने के लिए. देखिए, जब भी हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू सी बोथ साइड्स. ऐसा नहीं कि मेरे पास सेना है, वॉर में आ गया, नाउ आई विल नॉट जज एनीबडी, ना ऐसा नहीं. एक क्वालिटी होता है क्षत्रिय का कि वो एस्टिमेट करता है कि अच्छा इनमें 11 अक्षुणी है, मेरे में एक है, तो कौन जीतेगा. सो वो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है.
नॉर्मल लाइफ में इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस आपको लूपहोल्स भी देखना पड़ता है, ये करूंगा तो क्या होगा, ये करूंगी तो क्या होगा, राइट, लाइक दैट. सो इवन अर्जुन वाज डूइंग दैट कि यू नो एस्टिमेट करते चलिए क्या कितना ताकत है. यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड इज अच्युत, कृष्ण को अच्युत बोला गया है यहाँ पे, वी हियर नो अच्युतम केशवम, राइट, लाइक दैट. सो अच्युत क्यों बोलते हैं कि कृष्ण जो है भक्त वत्सल है. That means he loves his devotees. तो कृष्ण के भक्त है, he loves his devotees. He's सर्वलोक महेश्वर. So कृष्ण को कोई order नहीं दे सकता है. कृष्ण is परम भगवान. Okay? He can order the sun and all the planets, right? लेकिन ऐसे कृष्ण जो इतने भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, so much so कि वो अर्जुन के लिए रथ सारथी भरने के लिए ready हो गए, right? You see, ऐसे कृष्ण जो है अर्जुन से order ले रहे हैं. अर्जुन क्या बोले, रथ लेके चलो, he was taking it, right? So, you see, order कैसे ले रहे? Was it like an AC room, जहाँ पे बैठे, फोन पे order लिया, भेजो कैब? No, it was not like that. It was a war field. युद्ध स्टार्ट होने वाला है उस टाइम पे वो बता रहे थे. चैरियट ड्राइवर, आप देखिए एक्चुअली कृष्ण का जो पोजीशन था वो ऑर्डिनरी था. ड्राइवर इज अ गुड पोजीशन? नो, नॉर्मल पोजीशन है. इट वॉज नॉट लाइक अ वेरी हाई स्केल मैनेजरियल पोजीशन, नो, वेरी स्मॉल पोजिशन. लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि चाहे कृष्ण ने और ड्राइवर का पोजिशन लिया, इससे उसका उनका महत्व कम नहीं होता है. ओके, दैट डज नॉट रिड्यूस हिज यू नो इम्पोर्टेंस. भगवान ही है, रहते हैं वो. ओके, सो इसलिए जब हम कृष्ण, हमारे लाइफ में भी जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर हम कृष्ण को सरेंडर करते हैं तो विक्ट्री हमारी भी निश्चित है, लाइक दैट. एक एनालॉजी यहाँ पे बताती हूँ मैं, कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं. अभी देखिए, कोई देश का प्रेसिडेंट है, ओके, सपोज अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई है, राइट. अब उनके ग्रैंडसन, व्हाट डू यू कॉल ग्रैंडसन इन हिंदी, ग्रैंडसन, यू अंडरस्टूड, राइट, पोता, राइट, यस, ओके, थैंक यू, यस, पोता. सो अभी प्रेसिडेंट है एंड उनके पोते हैं. ऐसे तो प्रेसिडेंट हम नॉर्मली देखते हैं तो ही विल बी लाइक नो फुली ड्रेस्ड अप, नाइस एंड एवरीथिंग, राइट. बट ग्रैंडसन अगर बोलते घर जाने के बाद, जब ऑफिस में होता है तो ही इज लाइक अ प्रेसिडेंट, राइट, वेरी नाइस पावरफुल मैन. बट जब वो घर जाते हैं, उनके पोते होते हैं साथ में, वो बोलते हैं चलो चलो घोड़ा बनो, राइट, घोड़ा बनना पड़ता है उनको. हु इज ही? प्रेसिडेंट, राइट. बट पोता बोलता है घोड़ा बनो तो घोड़ा बनो. बट डज इट चेंज? क्या वो चेंज होते हैं? नहीं, वो फिर भी प्रेसिडेंट है. पोता बने हैं, सॉरी घोड़ा बने हैं, फिर भी वो प्रेसिडेंट है. लाइक दैट श्री कृष्ण चाहे वो ड्राइवर है बट ही स्टिल भगवान. ओके, एवरीवन विद मी? सो ऐसे प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होता है, पोजीशन चेंज होता है. कृष्णा इज नॉट लाइक दैट. एटर्नल पोजीशन, नो कंपैरिजन एट ऑल, राइट. एज अ ड्राइवर भी वो सेम पोजीशन पे है, एटर्नल, देयर इज नो कंपटीशन. उनको इलेक्शन या वोट्स की जरूरत नहीं है. प्रूव. ओके, सो दैट इज वन. मूविंग ऑन, श्लोक नंबर 21 से 27 में एक्चुअली क्या होता है, अर्जुन एग्जामिन करते हैं सारा क्या क्या चल रहा है, दैट इज वन. श्लोक नंबर 23, सो जब रथ बीच में आया था, वी हैड डिस्कस कि अर्जुन देखना चाहते थे कि दुर्योधन के साइड कौन आया है. हैव यू हर्ड दिस इन इंग्लिश, यू नो, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. ओके, जैसे आप पिजियंस को देखते हैं हवा में कभी, राइट, दे ऑल गो इन अ झुंड, राइट. जिस ऐसा बोलते हैं कि जिनके पंख सेम है वैसे चिड़िया साथ में जाती है, लाइक दैट. दैट इज द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश. लाइक दैट दुर्योधन के लिए वो बोल रहे हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि दुष्ट दुर्योधन के साथ कौन कौन आया है, लाइक दैट. हु इज दैट सेम फेदर पीपल, राइट, लाइक दैट. So, किस किसने पार्टनरशिप लिया है दुर्योधन के साथ, दैट ही वांटेड टू सी. मूविंग ऑन, श्लोक नंबर 24, यहाँ पे संजय बोल रहे हैं. संजय क्या बोल रहे हैं, आई विल जस्ट रीड इट आउट. संजय ने कहा, हे भरत वंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस समस्त रथ को लाकर खड़ा कर दिया. समझ में आ गया, राइट, उन्होंने रथ बोला, उन्होंने खड़ा कर दिया, राइट. सो यहाँ पे ना अर्जुन को गुड़ाकेशा नाम से बता रहे हैं. गुड़ाकेशा वाई? बिकॉज अर्जुन ने नींद पे विजय पा ली, स्लीप. ओके, सो यू सी, अर्जुन जो है, आप मुझे बता सकते हैं द्रोणाचार्य के सबसे प्यारे शिष्य कौन थे? एनीवन? अर्जुन. यस, अर्जुन. एनी रीजन वाई? आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड पता है कि क्यों उनको बहुत प्रिय थे वो? यू कैन ट्राई. अर्जुन धनुर्विद्या में एक्सपर्ट थे और उन्होंने मछली की आंख को बराबर देख के उसके ऊपर तीर चलाया था, इसलिए द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए थे और उनका प्रिय शिष्य अर्जुन था. माताजी, थैंक यू माताजी, हरे कृष्णा. ऑलराइट, सो दिस वाज वन रीजन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज वेरी सिंसियर स्टूडेंट.
ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे द्रोणाचार्य के पास. लेकिन देखिए, आप मुझे बताइए, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में एक टीचर कब खुश होता है? जब स्टूडेंट अच्छे से बात सुनता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, ऑल दैट लाइक दैट. सो जब सब लोगों की, इन लोगों की जब गुरुकुल में चल रही थी धनुर्विद्या, तो सारे लोग जो है घर चले जाते थे आफ्टर गुरुकुल. बट अर्जुन वॉज ओनली, और जब इनका रिविजन होता था, नेक्स्ट डे आके पूछते थे कि कल क्या सीखा एंड एवरीथिंग, अर्जुन वॉज द फर्स्ट, मुझे पता है, लाइक दैट. वॉज सो सिंसियर, ऑलवेज फर्स्ट रहते थे अर्जुन. एंड उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ बोलना है, इट वॉज प्रैक्टिकल वर्क. रिमेम्बरेंस नहीं कि हाँ ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, नो, प्रैक्टिकली यू हैव टू शो द आर्चरी, राइट? देयर इज नो स्कोप ऑफ एस्केप. ओके, सो एवरी डे जब ट्रेनिंग होता था, एंड कैसे अर्जुन हमेशा फर्स्ट रहते थे, इज बिकॉज सो जब इनको गुरुकुल में पढ़ाते थे, तो रात रात के टाइम पे जब सब सो जाते थे, तो अर्जुन जो है वॉज प्रैक्टिसिंग. ओके, ही प्रैक्टिस ऑल नाइट ऑल नाइट ऑल नाइट, इसीलिए उनका नाम गुडाकेशा है. ओके, इवन इनके खुद के सन भी थे, द्रोणाचार्य के खुद के पुत्र अश्वत्थामा भी उनके क्लास में पढ़ते थे, लेकिन स्टिल ही वॉज मोर क्लोज टू अर्जुन. सो दिस वॉज वन. मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 25 में चलते हैं. 25 में क्या बता रहे हैं, जस्ट वन मिनट. ओके, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो. ओके, सो दिस इज क्लियर. नाउ यू सी, जब अर्जुन ने बोला था कि कृष्ण जी को कि आप रथ बीच में लेके जाइए, तो क्या किया उन्होंने? युद्धभूमि इतना सा नहीं रहता है, युद्धभूमि इज लाइक वेरी वास्ट, यस और नो, बहुत बड़ा प्लेस है. लेकिन श्री कृष्ण ने वॉन्टेडली जो है रथ जब बोला खड़ा करने के लिए, यहाँ वहां नहीं गए, सीधा खड़ा किया वहां उस जगह पे जहाँ पे फैमिली और फ्रेंड्स विजिबल थे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? प्लीज अनम्यूट करके बोलिए बीच बीच में, मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है. यस, ऑल राइट, ग्रेट. सो दिस वाज डन. मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 26 पे चलते हैं. अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामा, गुरुओं, मामा, भाई, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुर और शुभ चिंतकों को देखा. देखिए, श्लोका नंबर 25 तक अर्जुन को बिल्कुल, ही वॉज क्लूलेस, आइडिया ही नहीं था कि सामने कौन है. He was not at all expecting कि उनका फैम इतने लोग आएंगे जिनका अभी मेंशन किया. Till 25 श्लोका he was not aware. 26 श्लोका में उन्होंने देखा कि सामने कौन है. All my own people like that. Okay, so moving on, श्लोका नंबर 27 में क्या बोल रहे हैं? जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला. अभिभूत यानी compassionate. Okay, he became very compassionate. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज ये है कि ऐसा नहीं था कि अर्जुन कंफ्यूज था. Okay, he was not confused. अर्जुन was actually confused. He was not fearful. उनको डर नहीं लग रहा था. He was not डर गए कि 11 सेना है. No. He was not fearful. He was confident. He was ready for the war. उनका खून खोल रहा था जब कृष्ण का इंसल्ट हो गया था स्टार्टिंग. That's why war was declared. Right? So actually, Arjuna was only confused. So, जब कोई सोचता है कि ये तो डर गया अर्जुन, ऐसा नहीं है कुछ भी. So, we will see. Moving on to shloka number 28 to 30 हम साथ में कर सकते हैं यहाँ पे. So, give me one minute. Okay, 28. All right. Okay, so 28 में symptoms बताते हैं. Okay. मैं एक बार आपको श्लोका रीड कर देती हूँ. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ना अर्जुन उवाच, दिस इज, ओके, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है. 29 में, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है. श्लोका नंबर 30, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने के मैं असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है. हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं. सो यहाँ पे जो है अर्जुन सारे सिम्टम्स बता रहे हैं. अर्जुन क्या क्या चीजें बोलते हैं यहाँ पे, ही सेज कि यू नो आई एम फीलिंग वेरी वीक, ओके, मुझसे अब खड़ा नहीं हो जा रहा है, आई वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन के जो है body language we are able to understand. So I will just quickly tell you, what all is he telling?
ही सेज मेरा जुबान सूख रहा है. हमारे साथ होता है ना, जब मुंह और टेंशन में हम रहते हैं, बहुत डर लग रहा है, तो दे नॉट एबल टू स्पीक, जुबान सूखने लगता है, लाइक दैट अर्जुन वॉज फेसिंग. एंड मेरे पाँव कांप रहे हैं, ट्रेम्बलिंग, राइट. मुझे इमेजिन दिस सिचुएशन वेर यू हैव ऑल द फैमिली मेंबर्स और आपको उनके साथ युद्ध करना, यू हैव टू किल इट, किल देम, नॉट पॉसिबल. अर्जुन की ये हालत थी, कांप रहे थे वो. उन्होंने बोल रहे थे कि नहीं कृष्ण, मेरे से मेरा शक्ति जो है अब काम नहीं कर रहा है, मैं इतना कमजोर महसूस कर रहा हूँ कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ. एंड में जाके बैठ जाते हैं रथ पे अर्जुन. He was telling that, right? So moving on, we will move on to shloka number 31. में क्या बता रहे हैं? Okay. हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना उससे किस प्रकार का विजय, और मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा नहीं रखता हूँ. अर्जुन इज गिविंग अप. यहाँ से अर्जुन का जो है स्टार्ट हो जाता है कंप्लेनिंग दैट आई विल नॉट. यू सी अर्जुन नो इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, बहुत कोमल हृदय के थे. वो ये नहीं सोचते कि रिजल्ट क्या होगा, मैं हार जाऊंगा, मेरे को अपयश मिलेगा, पीपल विल ब्लेम मी, ऐसा नहीं है. सो सॉफ्ट हार्टेड कि वो यू नो ही वॉज नॉट सीइंग रिजल्ट. अभी बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं इनको मार दूंगा, एक्सक्यूजेस, राइट. नाउ एंड यहाँ पे इस श्लोका में 31 श्लोक पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं छोड़ रहा हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू फॉरेस्ट. ओके, सो आई एम गोइंग टू फॉरेस्ट, मैं मेडिटेट कर लेता हूँ. ओके, एंड ही इज फॉरगेटिंग हिज क्षत्रिय ड्यूटी. ओके, उनका धर्म था, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, युद्ध करना. एंड ही सेइंग नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँ. दिस इज श्लोका नंबर 31. मूविंग ऑन 32-35 एक श्लोका में है, तो इसको एज इट इज मैं पढ़ती हूँ. हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं. हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े है, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले. हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हो. इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी. आप लोगों को समझ में आया है श्लोक का? इट इज वेरी इजी, राइट? यस और नो? अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि आई विल नॉट फाइट, इनको मार के मुझे क्या मिलेगा. फॉरगेट अबाउट, आप एक राज्य की बात कर रहे हैं कि मुझे युद्ध जीतने पे एक राज्य मिलेगा. मुझे राज्य नहीं चाहिए, राज्य नहीं है, लोक भी नहीं, तीनों लोक भी नहीं चाहिए मुझे. आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट. सो दिस इज वॉट अर्जुन इज सेइंग यहाँ पे. तो इस पे थोड़ा सा डिटेल वी विल गो. ऑलराइट, सो वी विल मूव ऑन टू दिस इज एज इट इज. सो जस्ट गिव मी वन मिनट. राइट, सो अर्जुन यहाँ पे बहाने बना रहे थे कि मेरी जीत होगी, खून खराबा होगा, मैं उनका यू नो आई विल बी द रीजन फॉर देयर डेथ. क्या फायदा, हाँ सब अनाथ हो जाएंगे, मैं जिन योद्धाओं को मारूंगा दे विल बिकम ऑर्फन्स, राइट. ये सब किस लिए, मेरी इच्छा की वजह से, क्योंकि मुझे राज्य चाहिए, राइट. इफ दिस इज द रीजन देन आई डू नॉट वॉन्ट टू फाइट, राइट. वो बोल रहे थे कि यू नो युद्ध भूमि में देखिए, अगर युद्ध होता है, हाँ सारे फाइटर्स मर जाएंगे, मेरे सारे रिश्तेदार मर जाएंगे, भीष्म पितामह जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया बचपन से, उनकी मृत्यु हो जाएगी. हाँ, द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे बचपन से लेके टीचर है, गुरु है मेरे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, मेरे खुद के भाई की मृत्यु हो जाएगी, राइट. ये सब वो सोच रहे थे. और सपोज मैं युद्ध हार गया, ओके, इफ आई लूज, ओके, देन ऑल्सो इट इज अ प्रॉब्लम, मेरे भाई का मृत्यु हो जाता. सपोज मैं युद्ध हार गया, देन आई हैव टू डाई एंड माई फैमिली, माई ओन ब्रदर्स हैज टू डाई. सो दोनों केसेस में कोई प्रॉफिट नहीं है, इट इज अ लॉस दोनों केसेस में, लाइक दैट. सो अगर मैं राज जीतता हूं तो क्या मिलेगा, एक किंगडम मिलेगा ना. नो आई डोंट वॉन्ट, लाइक दैट. सो एक्चुअली यहाँ पे यू सी हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे होता है, राइट. वो एक्चुअली अर्जुन क्यों संदेह कर रहे थे कि सपोज हाँ मैं युद्ध जीत गया, ठीक है, मैं अगर युद्ध जीत गया तो मैं किसको बताऊंगा, हु विल आई शो ऑफ टू, राइट. माई फैमिली विल नॉट बी देयर. हम लोग ऐसे करते हैं ना, सपोज वी आर बाइंग अ न्यू कार फॉर द हाउस, हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, रिलेटिव्स को बताएंगे, कॉल करके गाड़ी लिया, गाड़ी लिया, गाड़ी लिया. यस,
दैट इज वॉट वी डू राइट. सो इवन विद अर्जुन इट इज द केस. वो बोल रहे थे कि जब रिश्तेदार ही नहीं बचेंगे देन हु विल आई टेल इट टू राइट. दैट इज वन रीजन. इट्स अ वेरी हिडन रीजन दैट इज मेंशन हियर. मूविंग ऑन श्लोका नंबर 36. वी विल वाइंड अप इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स. चैप्टर ऑलमोस्ट इज ओवर. तो चैप्टर नंबर 36 में क्या बता रहे हैं. यदि हम ऐसे अतिथियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा. अतः या उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अनेक मित्रों का वध करें. हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं. वैलिड है ना. हम अपने ही रिश्तेदार को मारेंगे तो कैसे हम खुश रहेंगे, ये वो बता रहे हैं. और क्या बोल रहे अर्जुन, बोल रहे कि ये लोग तो पापी है ही, दे आर अधर्मी पीपल. मैं उनको मार दूंगा, हम उनको मार देंगे तो हम पे पाप चढ़ेगा और हमको नरक का एक्सपीरियंस होगा फिर आफ्टर लाइफ लाइक दैट. ओके, तो इसीलिए वो उनको बोल रहे कि नहीं, आई विल नॉट फाइट. प्लीज कृष्णा, आप मुझे गाइड कीजिए. राइट, दिस इज अ साइन ऑफ अ डिवोटी एक्चुअली. ओके, एक भक्त का ये लक्षण होता है कि वो हमेशा, चाहे वो सामने वाला कितना भी उनको हर्ट करता हो, लेकिन वो फॉरगिवनेस नेचर, क्षमा कर देते हैं उनको, माफ कर देते हैं. राइट, फॉरगिवनेस नेचर टुवर्ड्स एनीबॉडी. ओके, मूविंग ऑन श्लोका नंबर 37-38. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, हम लोग को अपराध लग रहा है, उनको नहीं लग रहा है. सो ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो, हम क्यों लड़े. तो दैट इज देयर प्रॉब्लम ना. उनको वो नहीं दिख रहा है कुछ भी फॉल्ट कि हम अपने संबंधियों को मार सकते हैं. दे आर नॉट फाइंडिंग इट अ प्रॉब्लम. मैं क्यों युद्ध करूं लाइक दैट. ओके, यहाँ पे कृष्ण जी को क्या बता रहे हैं. मधुसूदन क्यों बोल रहे हैं. कृष्ण जी ने मधु नामक एक राक्षस का वध किया था. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड मधुसूदन. सो यहाँ पे अर्जुन इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं कि मेरे मन में डाउट्स का जो राक्षस है मेरे अंदर, आप उसको प्लीज खत्म कर दीजिए. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड मधुसूदन यहाँ पे. ठीक है, उनको बहुत नाम से बुलाते हैं, लक्ष्मीपति बोलते हैं, जनार्दन बोलते हैं, जो जन का पालन करता है. दैट राइट. सो आप तो, और एक चीज बोलते हैं यहाँ पे, जनार्दन मीन्स यू नो आप मृत्यु के कारण कृष्ण है. ओके, चैप्टर 11 में आगे हम डिस्कस करेंगे कि कृष्ण बोलता है आई एम डेथ. ओके, वी विल अंडरस्टैंड इट, इट्स अ वेरी डीप स्टेटमेंट, आई एम डेथ. ओके, सो चैप्टर 11 पे हम इस पे बात करेंगे. कृष्ण बोलते हैं आई एम डेथ. सो आप, यू किल देम नो, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं प्लीज, ऐसा बोल के वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं. व्हाई सो मेनी सिंस, इतना सारा पाप मैं अपने सर पे क्यों लूं, लाइक दैट ही वाज डिस्कसिंग. सो यू लुक एट दिस, पहले क्या बोलते हैं अर्जुन, पहले बोलते थे, फर्स्ट थिंग क्या बोला, मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं किसी को मारूंगा नहीं. थोड़े देर बाद क्या बोलते, नहीं मैं पाप करूंगा तो मुझे पाप, इफ आई किल देम मेरे को पाप चढ़ेगा. थर्ड उसमें क्या बोलते, 37-38 श्लोका में कुलक्षया बोलते हैं. कुलक्षया मतलब कि देखिए, अगर मैं सारे राजाओं का मार दूंगा सो कोई मेन तो बचेगा ही नहीं. राइट, कोई पुरुष बचेगा ही नहीं कि वो टेक केयर करे, कितने प्रॉब्लम्स आएंगे. राइट, वो देखिए उनके भी पर्सपेक्टिव से सोच रहा है कि अरे उनके फैमिली का क्या होगा, उनके वाइफ का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, अनाथ हो जाएंगे, उनके पेरेंट्स का क्या होगा. सो ही वाज दैट प्योर, ही वाज थिंकिंग टू दैट लेवल कि उनके उसका क्या होगा. मूविंग ऑन श्लोका नंबर 39-45, वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन श्लोका. सो 39-45 तो यहाँ पे बता रहे हैं, आई विल रीड इट एज इट इज. कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त होता है. ओके, सो दिस इज श्लोका नंबर 39. सो क्या बोल रहे हैं, डायनेस्टी तो खत्म हो जाएगी, फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा, सब जो है धर्म का पालन छोड़ देंगे, ऑल दैट. ओके, सो 40 में क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीतत्व का पालन से ही, स्त्रीतत्व के पतन से ही से हे वृषवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती है. तो स्त्रिया का कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, वो तो फिर पोल्यूट हो जाएंगे. राइट, नाश हो जाएगा विमेनहुड का. राइट, एंड अनवांटेड चिल्ड्रन प्रोड्यूस होंगे, ऐसा अर्जुन बता रहे. 41 में क्या बोल रहे हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है. ऐसे लोगों के लिए नरक का प्लेस फिक्स है. ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं और क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया
ये संपत्ति नहीं होती. Obviously, men बचेंगे नहीं तो फैमिली का पितृदान कौन करेगा, लाइक दैट. सो दिस वॉज ऑल वॉट अर्जुन वॉज टेलिंग. 42 में बता रहे हैं, जो लोग कुल परंपरा को वंश विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनको दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं. आगे, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरकवास करते हैं. रिपीटेडली टेलिंग द सेम थिंग. 44 में, ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं. लुक, वी आर एक्साइटेड फॉर समथिंग विच इज सो सिंपल, ये बता रहे हैं. राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं. दिस इज द कंडीशन, अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तुले हैं. दिस इज आवर पोजीशन, ऐसा बता रहे हैं. 45, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्य तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह हमारे लिए श्रेयस्कर होगा. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन श्लोक. हाँ, वो बोल रहे हैं कि बेटर ये होगा कि वो मुझे मार दे, इंस्टेड ऑफ मी किलिंग ऑल ऑफ देम, इट्स बेटर दैट यू नो. एक्चुअली यहाँ पे गिव अप कर देते हैं अर्जुन. ही सेज वेपन्स अप नीचे एंड ही इफ ही, देखिए जब अर्जुन गिव अप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अर्जुन गिव अप करेंगे तो युद्ध रुक जाए. यस और नो? इट विल नॉट स्टॉप, राइट? सो धृतराष्ट्र विल कम, वो बोलेगा कि नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं इसको मार देता हूँ, लाइक दैट. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. चलो मैं मरता हूँ, आई एम रेडी, लेट इट बी, लाइक दैट. लास्ट श्लोक फॉर द क्लास, 46. संजय उवाच, एवं उत्वार्जुन संख्ये रथोपस्था उपाविशात् विसृज्या सहसरं चापं शोक संविघ्न मानसः. संजय ने कहा, यहाँ संजय बोल रहे हैं, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संपत चित से रथ के आसन पर बैठ गया. सो अर्जुन इज गिविंग अप, गेव अप कर दिया और वो अब रथ पे बैठ गए. खड़े तो वैसे भी नहीं हो जा रहा था उनसे, राइट? सो यू सी इन दिस श्लोक, हमेशा यू नो अर्जुन इज डिसाइडिंग हिमसेल्फ कि यू नो गांडीव ऐसा है. अर्जुन को गांडीव बहुत पसंद था, इट वॉज वेरी वेरी डियर टू अर्जुन, राइट? ऐसा होता था कि कोई गांडीव के बारे में कुछ बोल देता तो ही वुड किल that person, like that, so much dear, that Gandhi, that Arjun, itne you know top level ke Arjun jinko Gandhi itna pyara tha, now he's phisal raha unke haath se Gandhi aur unhone niche rakh diya. So this is the position. So summary kya hai ki Arjun jo hai independently decisions le rahe the, mind game unka bahut strong tha, right? Aur Krishna pe nirbhar hona wo bhul jate hain, but hame ye yaad rakhna chahiye ki Krishna par nirbhar hone par hi hum विजयी हो सकते हैं. एंड यू नो दिस, वो ऐसा भी सोचते थे कि एक्चुअल में जब युद्ध खत्म हो गया था, 37 इयर्स तक उन्होंने राज किया था वो किंगडम पे. जब हस्तिनापुर उनको मिला, 37 इयर्स तक उन्होंने राज किया था. तो वो यू सी जस्ट फॉर 37 इयर्स इतना बड़ा युद्ध हुआ था, राइट? सो दिस वॉज द लास्ट बिट फॉर टूडेज क्लास. यस, सो अगेन लास्ट वन पॉइंट कि युद्ध भूमि में हमने डिस्कस किया था कि लोगों का खून खोलता है, बोथ पार्टीज आर सो अग्रेसिव कि जस्ट नाउ वी हैव टू ब्लड वॉर होना चाहिए, लाइक दैट. बट इतने टफ वाले पोजीशन पे अर्जुन जो है गिव अप करके उनका गांडीव फिसल रहा है. सो लुक एट हिज माइंडसेट एंड कृष्णा नाउ आगे वाले चैप्टर से कृष्ण उनका गाइड करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट. तो ये जो कॉन्वर्जेशन होगा आगे कृष्ण और अर्जुन के बीच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन, टॉक्स एंड एवरीथिंग. हमारे लाइफ में भी होता है, बहुत सारे ऐसे डिसीजन पे हम आके रुक जाते हैं जहां पे हमको समझ में नहीं आता कि किस लेवल पे हम डिसीजन ले, राइट? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, आई डोंट नो, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, बेसिस क्या होना चाहिए मेरे डिसीजन लेने का. सो लाइक आई सेड कि अगर सक्सेस चाहिए तो वी शुड ऑलवेज लिसन टू आवर हार्ट, दैट इज कृष्णा विजिटिंग अस परमात्मा. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियल सक्सेस, मटेरियल सक्सेस के देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल सक्सेस, द स्पिरिचुअल सक्सेस ऑफ our lives. So this was all about chapter number 1, observing the armies in the battlefield of Kurukshetra. So I am done with my class. Aap logon mein se kisi ka koi question hai, so aap please pooch sakte hain. Time for questions, just 5 minutes. Any comments, questions?
आप लोग जो गैलेक्सी M31 एंड एक्सेट्रा आप लोग प्लीज अपना नाम मेंशन करना बिकॉज़ यू नो वी कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द पीपल हु आर विद द वीडियोस ऑन वी हैव टू डिलीवर योर सर्टिफिकेट्स एनीवे कोई क्वेश्चन 31 विशाल यस कॉपी 2000 के बारे में मैंने अलग स्टोरी सुनी थी जी बताइए मैंने जहां तक सुना था मेरे को जितना ध्यान आ रहा है उसमें ऐसा था कि अर्जुन ने कहा था कि मेरे धनुर्विद्या बहुत ज्यादा है तो है ना उन्होंने एक ब्रिज बना दिया था धनुषों से और हनुमान जी ने कहा था कि मैं इसको 3 कदम में तोड़ सकता हूँ तो हनुमान जी कदम रखने जाते हैं तो कृष्णा जी है ना एक छोटे से कछुए का रूप लेके उनके पैर के नीचे आ जाते हैं ताकि ब्रिज टूटे नहीं ओके तो वो 3 कदम के बाद ऐसा ब्रिज टूटा नहीं था तो हनुमान जी ने ना ऐसे अपनी हार मान ली लेकिन कृष्णा जी तब प्रकट हुए तो अर्जुन जी समझ गए कि कृष्णा जी ने ना ये चीज खाली उनका घमंड तोड़ने के लिए किया था ओके हनुमान जी और कृष्णा जी ने मिलके ये चीज ओके ओके थैंक यू सो मच प्रभु एक्चुअली इस पे मैं आपको कंफर्मेशन आई विल गिव यू टुमारो आई विल रीड इट वन मोर टाइम दिस आल्सो इज अ स्टोरी सो आई विल गेट बैक टू यू टुमारो एंड एनी क्वेश्चंस जो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी इस सेशन में डेफिनेटली विल बी आंसर्ड आई विल टेक द कंसर्न ऑफ माय सीनियर्स उनसे पूछ के आपको करूंगी टीना जी थैंक यू और सुना था कि रामायण में से श्री राम जी ने हनुमान जी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें गीता सुनाऊंगा तो वहां से वो फिर हनुमान जी वेट करते हैं एंड आफ्टर दैट मतलब फिर इसमें जब महाभारत होता है तब उनको ये चांस मिलता है तब वो कपिध्वज में मतलब इन दिस फॉर्म हनुमान जी रहते हैं कृष्ण के साथ थैंक यू सो मच माता जी हम लोग एंड यस अबाउट माता जी एंड प्रभु जी सो दिस इज इस्कॉन में ऐसे ही लाइक वी एड्रेस एवरी वुमेन एज माता जी नो मैटर व्हाट एज इवन प्रभु जी इज ऑल द मेन ओके सो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज डोंट गेट ऑफेंडेड कि माता जी बोला जा रहा है इट इज जस्ट अ कल्चर दैट वी फॉलो सो एनी अदर क्वेश्चन आप लोगों को कॉमेंट्स मेरे पास एक बुक है उसमें ना ये फर्स्ट चैप्टर में 47 श्लोक है और आप जब बता रहे तो ये वाली बुक में 46 श्लोक है आपके पास गीता प्रेस है क्या हाँ गीता प्रेस में 47 और एक ये भी है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप इसमें 46 है Yes, actually, कैसा है इफ यू सी भगवत गीता प्रभु सो श्री प्रभुपाद ने जब ये भगवत गीता लिखा था उस टाइम पे ही 600 कॉमेंट्रीज थे भगवत गीता ओके बट हम चैप्टर 4 में ये चीज डिस्कस करेंगे कि गुरु परंपरा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ओके सो व्हेन यू रीड व्हाट इज गुरु परंपरा एंड एक्चुअली क्या हुआ था जब भगवद गीता के 600 कॉमेंट्रीज थे उस टाइम पे लोगों ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन दिया था इट इज नॉट एज इट इज ओके एज इट इज मतलब सी वी ऑल नो कि लॉर्ड श्री कृष्ण से स्टार्ट हुआ परंपरा भगवद गीता का सो परंपरा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कितने लोग हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज देर आर मेनी कॉमेंट्रीज ऑन भगवद गीता एंड ऐसा बोलते हैं कि भगवद गीता जब कोई पढ़ते हैं तो देयर लाइफ शुड गेट ट्रांसफॉर्म्ड दैट इज भगवद गीता राइट बट हम लोगों ने आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ मैंने खुद ने गलत भगवद गीता पढ़ा था नथिंग चेंज इन माई लाइफ बट वेन आई रेड भगवद गीता एज इट इज इट गेव मी सो मच डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड सारे फिलोसफीज क्लियर हो गए थे जितने भी डाउट्स थे एक्सेट्रा राइट वाई दैट इज हैपनिंग इट इज बिकॉज श्रीला प्रभुपाद हमने जिसकी बात की है आई विल शो यू द पिक्चर सो श्रीला प्रभुपाद जो है इज द प्योरेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा ओके सो दैट इज द रीजन वाई उन्होंने भगवद गीता एज इट इज आई डोंट नो दिस इज लाइक ओके यू कैन सी नाउ ओके दिस इज श्रीला प्रभुपाद तो श्रीला प्रभुपाद जो है डिसाइपलिक सक्सेशन में आते हैं यानी कि जो गुरु परंपरा स्टार्ट हो रही है कृष्ण से वो उनमें आते हैं उन परंपरा में एक्चुअली देयर आर 4 सांप्रदायस इफ यू सी मैं आप दिस इज लाइक एन एक्स्ट्रा नॉलेज आई विल स्टिल लाइक टू शेयर तो श्री कृष्ण ने जो है 4 सांप्रदाय स्टार्ट किए थे ओके वन इज ब्रह्म माधव गौड़िया सांप्रदाय जिसमें इस्कॉन आता है ओके सेकेंड इज रुद्र सांप्रदाय जो कि शिव जी का सांप्रदाय है ओके थर्ड इज श्री सांप्रदाय जो कि लक्ष्मी जी का सांप्रदाय है और चौथा है कुमार सांप्रदाय दैट इज 4 कुमारास यू सी ये चारों के तिलक भी अलग होते हैं इफ यू सी दिस तिलक दिस इज लाइक दिस एंड दिस वन दिस इज ब्रह्म गौड़िया माधव गौड़िया सांप्रदाय लाइक दैट ये चारों जो है श्री कृष्ण से चलते हुए आ रहे परंपरा ओके सो एनीथिंग विच इज देयर इन दिस 4 परंपरास कैन बी फॉलो सो यू सी इफ एनी भगवद गीता जिन्होंने लिखा है वो गुरु परंपरा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं And all the 4, like you see Tirupati. Tirupati कितने लोगों को मालूम है? Balaji Tirupati मालूम है? Yes. अपने उनका तिलक याद है आपको ऐसे होता है, red, right?
इट्स लाइक अ स्क्वायर नीचे से एंड बीच में रेड लाइन होती है, यू सी, सो दैट इज श्री सांप्रदाय. उनकी एक्चुअली फोर जो सांप्रदाय है सब अलग अलग नहीं है, सब सेम है. यू सी व्हेन इट कम्स टू दीज टॉपिक्स नो, हम लोग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सब लोगों का फिलोसफी सेम होना चाहिए. इफ इट इज डिफरेंट देन हाउ कैन समबडी अंडरस्टैंड गॉड, राइट? सो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड गॉड, सो यू इट हैज टू बी वन वे. So it does not matter 47 shlokas, 46 shlokas. What matters is the content. Ki kya likha hai unhone, right? It could be 46 shlokas, 49 also, no problem. But content dekhiye, kitna match ho raha hai. Is there anything missing in that? Kyunki log, hum log jo hai, we are all in our spiritual lives. Hum log bhatakna nahi chahiye. There are many commentaries in Bhagavad Gita who take us away from spiritual life. Bhatkate hai humko. Like you see many of the leaders, I will not take names, but they have written commentaries. वो बोलते हैं कि भगवत गीता is a book of violence, युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, right? That is wrong. It is not like that. वो and कुछ लोग बोलते हैं कि कर्म तक ही limited है. बोल रहे कर्म करो तो हम जो है कर्म करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. That is also wrong. भक्ति है the jewel which we talked about. It is भक्ति होगा, but nobody talks about that. Essence भूल जाते हैं. So that is why we should be very careful. जब हम spiritual books पढ़ते हैं, we should be very careful कि हम कौन से books को choose कर रहे हैं, history क्या है, that all that we need to know. तब हमारा जो spiritual progress है, वो हमको समझ में आता है. Are you getting my point, Prabhu? So there are commentaries, but if it is giving the same content, then it is not a problem. Okay? So we should be very careful. Any other question, किसी का? Anyway, आगे वाले sessions में हम लोग आगे वाले chapters में आपको difference मालूम पड़ेगा what depth this one has. That is why you see Srila Prabhupada जब उन्होंने book लिखा, he said Bhagavad Gita Yatharup. Actually, my screen is blur, so you may not be able to see. But this Bhagavad Gita Yatharup. Yatharup means as it is. As it is means from Shri Krishna what parampara is coming, that is the same thing. लोगों ने बस अपना अपना commentary दिया है, so that will not give you like much knowledge like that. Okay, so but हाँ, आप जो 600 भगवत गीता की बात करी सब में आपको 700 श्लोक मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि किसमें 701 है ना, एवरीथिंग है 700. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द कंटेंट, वेदर वी आर अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता या ऐसे सुन रहे. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज टेल मी. मुस्कान, माता जी, ज्योति माता जी, अंकिता, Kavita, Lakshmi Mataji, please. Thank you so much for turning on your videos also. Actually, it is very encouraging. जब आप speaker के position पे होते हैं, तब you will understand that when you see such nice faces early morning, excited for Bhagavad Gita class, it's a very nice feeling. So I request all of you. I hope you don't have any questions, right? Then I will end the session. Okay, 5 signs of victory. You, Sudhanshu Singh का question है. आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर, 5 साइंस ऑफ विक्ट्री दैट यू वांट टू नो. हां जी, वो 5 साइंस में देयर वाज दिस व्हाइट हॉर्स दैट, यस, सो फर्स्ट वाज व्हाइट हॉर्सेस यू कैन राइट एंड कॉन्क शेल्स. सेकंड वाज द रथ दैट ही हैड. थर्ड वाज कृष्णा हिमसेल्फ. थर्ड वाज कृष्णा. फोर्थ वाज बिकॉज़ लक्ष्मी जी, मींस जहां विष्णु मूर्ति रहता है वहां लक्ष्मी होती है, कंसॉर्ट. फोर्थ. फिफ्थ इज कपिध्वज, द हनुमान फ्लैग दैट वी स्पोक. Okay, so those are 5 signs. Thank you for the wonderful Kavita ji. Thank you so much. I could not read all the comments, but then, oh, okay, there's one question. Who else? Okay, we discussed this. So somebody asked in the chat box, direct message, Arijit. Arijit Prabhu, aap hai abhi? Are you there, Arijit Prabhu? Mata ji, I didn't ask anything. Oh, there is one message, Arijit. There is another Arijit, I think so. Yeah, maybe. yes. Thank you, Prabhu. No problem. So, वो पूछ रहा है कि देवी देवता. One second. What is this question? What is the difference between Devta and Gandharva? Devta is like gods, demigods, all of them. About demigods, we will discuss. And Gandharva, I think is a kingdom. If anyone want to add something, you can add. Gandharva, anybody knows? Monkey kingdom, something? Gandharva Raj tha. Anybody knows? So, no I problem. I will. Vijayalakshmi Mataji, please tell me. Hare Krishna. They're just above the human race. Just above the human race. Above human beings. Gandharva. No, he's Gandharva asking what is Gandharva Mataji? They're just above the human beings. Okay, they are above human race. Human beings and below the demigods. All right. Below demigods?
and above the human race who are there, there was that Gandharva. Thank you so much. Any other question, kisi aur ka? All right, so we'll end the class. Thank you so much. We will end with the prayer. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhyayavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anant koti vaishnavindu ki jai. Shila Prabhupad ki jai. God premanande hari hari. So we will do Hare Krishna Mahamantra, all of us. Aap sab log unmute kijiye. Hum every session ke baad ek Hare Krishna Mahamantra karenge. We will thank the Lord for blessing us with this. So Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay? Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you.